खास करके वी द पीपल में जुड़ जाएंगे तो पता ही नहीं लगेगा 2 4 10 महीने में कि कौन भंगी है, कौन चमार है, कौन कहाँ से आया, कौन नहीं आया। वी विल जस्ट बिकम बी द पीपल एंड टुगेदर वी कैन डू एनीथिंग एनीथिंग। कल जो सावन का महीना पूरा पूरा हो जाएगा, तो सावन के पूरे महीने होने को या पुराने जो हमारे पाली के जितने भी महीने हैं जब वो पूरे हो जाते हैं तो उसको यानी पूरा चंद निकलता है। चंदी माँ से चंद पाली में बोलते हैं तो पूरन चंद बोलते हैं। तो पूरन मास चंद जो पुराना नाम है पूरन मास चंद, और जितने भी पूरन सिंह हैं या जितने भी पूरन चंद हैं या पूरन चंद हैं, अगर आप किसी का नाम पूरन समझते हैं या पूरन चंद समझते हैं तो वो पाली का पुराना नाम है। यानी जो भी आदमी आपको कहीं पूरन मिलेगा या पूरन सिंह या पूरन चंद या पूरन लाल, वो वही पूरन मासी वाला होता है। क्योंकि पूरन मासी बुद्ध के समय 12 बड़ी खास होती थी, और सावन वाली तो इसलिए खास ज्यादा होती है क्योंकि सावन की जो पूर्णमासी है ये बुद्ध के बाद ज्यादा फेमस हुई। अगर बुद्ध के साहित्य में आप जाओगे तो बुद्ध के साहित्य में या उससे पहले किसी कथा कहानी में भी आपको ये जो आज का जिसको रक्षाबंधन फेस्टिवल बोलते हैं ये फेस्टिवल नहीं मिलेगा। और सावन का जो मतलब पाली के अंदर होता है, सावन का मतलब होता है भाषण और सवन का मतलब होता है सुनना। तो सवन और सावन से मिलके यानी सुनना और भाषण देना, इन दो शब्दों से ये सावन का महीना बोला जाता है। कारण क्या है कि पुराने समय में सड़कें तो पक्की थी नहीं और बारिश झमाझम होती थी, जिसको बोलते थे चौमासा। चौमासा मतलब 4 महीने तक, 4 मास तक बारिश, तो चौमासा लग गया। जब चौमासा लगता था तो 4 महीने तक पूरे भारत के इस क्षेत्र में झमाझम बारिश होती थी। इसको क्या कहते थे, ये आषाढ़ से शुरू होती थी। आषाढ़ का मतलब ही टोरेंशियल रेल होता है, यानी कि जो लगातार बारिश होती है मूसलाधार बारिश, उसको आषाढ़ बोलते हैं। तो बुद्ध और बुद्ध के अनुयायी या जो महावीर जैन और जैन के भी जो लोग थे, जो उनके अनुयायी थे या जो और मतों के लोग थे, वो बारिश में कहीं आ जा नहीं सकते थे। तो महावीर जैन ने एक नियम बनाया कि बारिश में वो कहीं जाएंगे नहीं, और वो जो नियम था उपोषद का वही नियम बाद में फॉलो किया वहां से लेके कि बारिश में कहीं जाना नहीं है, बारिश में एक जगह रह के पठन पाठन करना है, अभ्यास करना है। और कहीं किसी गांव के आसपास में वो भिक्खु लोग रहते थे और सारे भिक्खु लोग रह के वहां पे पठन पाठन करते थे। उस पठन पाठन को, क्योंकि पहले कोई किताब तो थी नहीं, कोई पेन नहीं, कोई अक्षर नहीं, कोई लिपि नहीं, तो सुनना होता था और सुनाना होता था। तो सावन यानी भाषण हो गया और सवन यानी के सुनना हो गया। तो ये महीना पूरा उसमें जाता था सुनने और सुनाने में, इसलिए इसको सावन का महीना बोलते हैं। बाद में इसमें श्रय को श्रेय बना दिया तो श्रावण बोलने लगे। तो इस महीने में धम्म को लोग सुनाते थे, भिक्खु लोग, और बाकी लोग जो उपासक और उपासिका थी वो सुनते थे। ये बड़ा खास महीना होता था, इसलिए इसका पुराना नाम सावन पड़ा। उस समय ये जो रक्षाबंधन है ये कहीं नहीं था, कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, बहुत पहले तक जिक्र नहीं मिलता। तो ये रक्षाबंधन कैसे डेवलप हुआ, जब बुद्ध वैशाख पूर्णिमा को चले गए, खत्म हो गया, शरीर छोड़ दिया उन्होंने अपना, उसके 3 महीने बाद एक संगति हुई। पहली संगति, संगति मतलब सम्मेलन हुआ, और वहां ये बात तय हुई कि हमें बुद्ध के जितने सूत हैं उनकी रक्षा करनी है, रक्षा करनी है। रक्षा बोलते हैं पाली में, इसलिए बहुत सारी जगह रखड़ी भी बोलते हैं। यानी कि आप अगर अफगानिस्तान में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, अगर आप इधर पाकिस्तान के एरिया में जाएंगे तो वहां नॉर्थ में इसको रखड़ी बोलते हैं। रखड़ी यानी रक्षा करनी है, रक्षा करनी है। अभी रक्षा का तो पाली से रक्षा बना दिया, तो रक्षा करनी है। तो सूतों की रक्षा के लिए भिक्खुओं ने संगति की। 500 भिक्खु आए जो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, सबसे उच्च लेवल के। उन लोगों ने वहां एक सत्र ऋषि करके एक गुफा थी, वहां पर वो बैठे और वहां उन्होंने सारे सूतों को सुन सुन के भगवान बुद्ध ने क्या कहा। तो अलग अलग जो स्पेशल लोग थे, जो नियम के लोग थे, जो संघ के नियम के थे, जिनको विनय बोलते थे, वो अलग आ गए, और जो सूत वाले थे वो अलग आ गए। तो एक व्यक्ति एक सूत को बोलता था, एक भिक्खु, भिक्खु थे सारे, तो भिक्खु एक सूत को बोलता था, सारे लोग कहते थे कि हाँ ये ठीक है। फिर उससे पूछा जाता था कि कब बोला, कैसे बोला, तो वो बताता था कि
उस बात के लिए बोला, ये समस्या आई थी तब ये नियम बना, ये समस्या आई थी तब ये नियम बना। ऐसे करते करते वो भिक्कुओं में कुछ गणक भी थे जो याद करते थे, और कुछ गणक हायर भी किए जाते थे। गणक वो होते थे जो याद करते थे, और भाड़क वो होते थे जो याद करे हुए को लोगों को बोल बोल के सुनाते थे, कथाएं सुनाते थे, उनको भाड़क बोलते थे। भाड़क से ही बाद में भाड़ू शब्द बना है, और गड़क का भी गाली बनाया गया है। तो गड़क और भाड़क का दोनों का गाली बना बाद में, क्योंकि ये दोनों ही लोग भिक्कू होते थे या उस बात को बताने वाले लोग होते थे। भाड़क दरअसल पैसे लेते थे, और भिक्कू कभी पैसे नहीं लेते थे, वो सिर्फ खाना लेते थे, वो भी मिल जाए तो ठीक है। तो वो जो सूत वहां बांधे गए, उनकी जो रखड़ी हुई, उनकी जो रखा हुई, उसको बोलते हैं रखा सूत बंधन दिवस हो, यानी कि उस दिन सूतों की रखा को बांधा गया, तो उनको बंधन किया गया, तो उनको पूरा सिस्टमाइज किया गया, और सिस्टमाइज करके उनको याद किया गया, समराइज किया गया, मेमोराइज किया गया। तो जब उनको याद किया गया, उनको एक लाइन में बनाया गया, तो सूतों की रक्षा हो गई। वो रक्षा की जोत पड़ी, क्योंकि बुद्ध जब एक्सपायर हुए मरे, तो वहां एक भिक्कू नाचने लगा कि बुद्ध चले गए, अच्छा हुआ, अब हमें इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा। बुद्ध बड़े सख्त नियम वाले थे, हमको ऐसा नहीं करने देते थे, ऐसा नहीं करने देते थे। तब वहां जो बड़े भिक्कू थे, उन्होंने कहा कि हमको ये सूत बचा के रखने, वरना तो धम्म खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उस दिन से जो स्टार्ट हुआ वो दिन, उसको रखा सूत बंधन बोलते हैं, और ये 7 महीने तक चला। यानी कि ये जो पूरा हुआ, ये हुआ होली पर, जिसको होली मनाते हैं हम, जो होली का दिन आता है उस दिन पूरा हुआ। तो आपने देखा होगा कि होली वाले दिन में हमारे पुराने जो लोग हैं, वो 8 गोबर की जो पिंडलियां हैं उनको बनाते हैं, और एक धम्मचक्र जैसा बनाते हैं गोबर का, और उसको एक जगह इकट्ठा करके आग लगाते हैं, उसको धागे से बांधते हैं। ये धागे से बांधना एक वहां का सिंबल है कि ये सूत सारे धागे से बांधे हैं। 8 जो गोबर के टुकड़े होते हैं उनको कहते हैं कि ये 8 धम्मचक्र के जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं उनके अंग हैं, और जो धम्मचक्र बीच में होता है उसको एक माला में डाल के पुरो दिया होता है। ये परंपरा वहां से चली। तो पूरे 7 महीने तक ये काम चला, 7 महीने में जाके ये पूरा हुआ। तो इसलिए इसको धम्मचक्र सूतंग दिवसंग के नाम से ये जाने लगे। बाद में लोग इसको, क्योंकि धम्म चला गया, सारी बात चली गई, तो लोग इसको भूल गए, मगर परंपरा नहीं भूले। और ये परंपरा लोगों ने सूत बांधने की बजाय उनको धागा बांधने की परंपरा बना दी, और धागा बांधने की परंपरा भी कह दिया, इसको बना दिया, बहन भाई से जोड़ दिया। अब सवाल यहाँ बहुत सारे, अगर कॉमन सेंस का आदमी है और कोई किताब उसने जिंदगी में नहीं पढ़ी है, और कोई किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अगर वो समाज में देखेगा तो देखेगा कि भारत के कुछ हिस्सों के अंदर ही ये जो रक्षाबंधन का सूत्र है या रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, फेस्टिवल, ये मनाया जाता है। तो सिर्फ वन साइडेड है, यानी कि जो भाई है वो बहन की रक्षा करेगा, और बहन चाहे 30 साल की है या 300 साल की है या 3 दिन की है या 3 महीने की है या 3 घंटे की है, और भाई चाहे 3 महीने का है या 3 साल का है या 300 साल का है, तो हमेशा भाई रक्षा करेगा। अच्छा, सिर्फ बहन की रक्षा करेगा, ना माँ की करेगा, ना पत्नी की करेगा, ना अपनी प्रेमिका ही करेगा, ना अपनी दादी करेगा, ना अपनी किसी की नहीं करेगा, और साल में 365 दिन में सिर्फ एक बार रक्षा करेगा। और भाई की रक्षा का कोई बंधन नहीं है कहीं, और भारत में सब लोगों में नहीं है, और पूरी दुनिया में तो कहीं है ही नहीं, मगर सावन का जो पूर्णमासी का महीना है, ये पूरे भारत में जगह जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी नाम से मनाया जाता है। अगर आप पूरा का पूरा सिस्टम देखेंगे फेस्टिवल का, तो भारत के हर क्षेत्र में सावन की जो पूर्णमासी है वो किसी ना किसी रूप में मनाई जाती है, कोई ना कोई तरीका उसका है। और वो सारे तरीके वहीं के हैं जब सूतों को एक रक्षा करके उनको एक गांठ बांधी के, जिसको गंठ बोलते हैं, और गंठ से ही बाद में ग्रंथ बना, यानी कि पाली में जिसको गंठ बोलते हैं, गांठ बोलते हैं, संस्कृत करके उसको ग्रंथ बोला जाता है। तो गांठ मारी, गंठ मारी, तो वो ग्रंथ बन गया। तो वो हमारा जो ग्रंथ बना, उस ग्रंथ के जो सूतों की जो रक्षा हुई, उससे ये हमारा रक्षा बंधन बना, और बुद्ध के बाद में ही एग्जिस्टेंस में आया है, बुद्ध से पहले नहीं आया। तो रक्षा बंधन तो एक तरफ हो गया, धागे की परंपरा चलने लगी। धागे की परंपरा हमारी जो धम्म की है वो पुरानी है। पुरानी इसलिए है कि जब बुद्ध उपोषत किया करते थे, बुद्ध के समय उपोषत वो प्रक्रिया होती थी जहां लोग अपना उपपोषत करते थे, यानी कि जो धम्म है उसका उपपोषण करते थे, उसको पूरा करते थे, सप्लीमेंट्री करते थे, उसको कंप्लीट करते थे। तो वो सारे भिक्कू एक जगह बैठते थे, भिक्कुणियां अलग बैठती थी, तो उसमें 21 प्रकार के लोगों का आना मना था, यानी कि भिक्कुओं के अलावा 21 प्रकार के लोग उसमें नहीं आ सकते थे, वो विनय पीटक में दिया हुआ है। तो उसमें एक बाउंड्री, क्योंकि पहले जंगल होते थे, जंगलों को साफ करके मैदान बनाए जाते थे, और सारे भिक्कू जंगलों में रहते थे,
तो उस जगह खुली जगह जब बैठते थे तो वहां पे धागा तब तक आ चुका था क्योंकि कपड़ा आ चुका था, तो वो धागा बांधते थे चारों तरफ बाउंड्री में। और धागे की ये परिक्रमा जो होती थी वो इसलिए होती थी बाउंड्री कि भाई कोई किस प्रकार का कोई आदमी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जो इसमें अंदर आगे वही लोग रहेंगे। तो वो पूरा पूरा सिस्टम हो गया। उसी धागे को आज भी जब चांटिंग करते हैं हमारे भिक्खु तो वो ऊपर में बांधते हैं, साइड में बांधते हैं, और आपने देखा होगा कि लोटे से बांध के वो पूरा जहां लोग बैठे रहते हैं उस धागे को बांध देते हैं। और उसकी परंपरा बाद में बना दी उन्होंने, तीन तय लेते हैं यानी त्रिरत्न का धागा बना दिया। एक धागा भी चल सकता है, दो भी चल सकते हैं, त्रिरत्न का बना दिया। आप पंचशील का 5 बना सकते हैं, अठशील का 8 बना सकते हैं, कोई नियम बुद्ध ने तो दिया नहीं, लोगों ने अपने आप बनाए, भिक्खु ने अपने आप बनाए। बाद में वही त्रिरत्न का धागा, क्योंकि लोग कहते थे कि ये सूत्र हमें याद रहे और सूत हमारे गांठ में बांधने, तो लोग हाथ में भी बांध लेते थे कि भाई हाथ में बांध लिया, तो हाथ में धागा बांधने की परंपरा भी सूतों को याद करने की और सूतों को सेफ करने की परंपरा बाद में भिक्खुओं ने विकसित की, जो धागा बांधते थे और याद दिलाते थे कि ये त्रिरत्न का धागा बंधा हुआ है, ये पंचशील का धागा बंधा हुआ है। तो ये जितनी जो परंपरा बनी है सूतों को बांधने की और सूतों को रक्षा करने की, ये दरअसल सूतों की रक्षा है। किसी महिला की रक्षा कोई पुरुष नहीं करता, क्योंकि आदमी अगर बड़ा है तो वो छोटी अपनी बहन है या माँ है उसकी रक्षा करेगा, ये उसका नेचुरल प्रोसेस है। और अगर कोई महिला बड़ी है उसका भाई छोटा है तो वो उसकी रक्षा करेगा, ये वन साइडेड नहीं हो सकता और सिंगल डे के लिए नहीं हो सकता। और ये सिस्टम कहीं लिखित में है भी नहीं। पूरा इतिहास अगर आप उठाएंगे तो आपको बहन भाई की रक्षा का और कहानियां मिलेंगी, कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी, मगर बुद्ध के रक्षा जो सूत हैं उनके बंधन करने की पूरी हिस्ट्री मिलती है। इसलिए ये वहां से चलता है, इसलिए बड़े धूमधाम से ये मनाया जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर जी, ये आपने जो जानकारी दी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सुधीर राज सर एक इसी के ऊपर मेरा सवाल है, क्या जो धम्मपद में जो अट्टकथाएं जो लिखी थी वो अट्टकथाओं का जो भी गठन हुआ था जिसे श्रीलंका में बाद में जाके लिपिबद्ध हुआ, वो क्या इसी प्रिंसिपल पे आधारित था? दरअसल अट्टकथाओं का मतलब पाली में जो है वो है अर्थ कथा, अट्ठ माने अर्थ होता है और कथा माने कहानी, क्योंकि कथा तो कथाएं होती हैं, जो गाथाएं हैं वो तो पूरी पूरी सिद्ध है, वो तो बुद्ध की हैं, उनमें थोड़े बहुत शब्द बदल दिए हैं गाथाओं में। जब हम धम्मपद का अध्ययन करते हैं तो कुछ शब्द बदले हुए हैं जो बाद में लिखित पढ़त में बोलने में कहीं चेंज हो गए होंगे, मगर कथाओं का मतलब होता था कि धम्म को सिखाने के लिए जो कहा गया है, और जो कथाएं हैं वो समय के अनुसार और भाषा के अनुसार और गणक और जो भाड़क होते थे उनके अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे मैं आज यहाँ जो बोल रहा हूँ, ये मैंने जो सुनाई है ये कथा है, ये गाथा नहीं है। गाथा वो होती है जो फिक्स होती है, जो सूत है वो गाथा है और जो बुद्ध के हैं वो इंटैक्ट हैं। अब जो मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है इसको अगर आप अपने शब्दों में मराठी में डिस्क्राइब करेंगे तो कुछ शब्द बदल जाएंगे, कुछ शब्दों के सेंस बदल जाएंगे। कोई व्यक्ति इसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करेगा बोलेगा तो वो स्टोरी बदल जाएगी। जो जैसे आलल सिंह जी हैं, ये अगर अपनी भाषा में बोलेंगे तो कुछ भूल जाएंगे, कुछ जोड़ देंगे, क्योंकि इनको उसका असेंस याद रहेगा, सार याद रहेगा। गाथा जो होती है, जो बुद्ध की गाथा है, वो असेंस है, वो नहीं चेंज होती। जैसे अभी आपने जो दूसरी गाथा बताई थी मनोपुब्बा वाली, वो चाहे आप उर्दू में पढ़ो, चाहे संस्कृत में पढ़ो, चाहे हिंदी में पढ़ो, या पाली में पढ़ो, या मराठी में पढ़ो, वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। वो आप किसी भी भाषा में बोलोगे तो वही रहेगी, पाली में बोलना पड़ेगा। जैसे त्रिशरण और पंचशील है, तो त्रिशरण पंचशील किसी भी भाषा में किसी भी देश में बोला जाता है, वो बुद्धं शरणं गच्छामि ही बोलेगा, और वो पाणाति पाता वेरमणि ही बोलेगा, बेशक वो उसके अर्थ को बता दे। तो गाथाएं नहीं चेंज होती, पर कथाएं उनको बताने के लिए होती हैं, धम्म को समझाने के लिए होती हैं, इसलिए कथाएं अपने हिसाब से वो धीरे 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 चेंज होती रहती हैं। इसलिए बुद्ध का जो ओरिजिनल गाथाओं वाला जो है मैटर वो अलग है, और जो अटकथाओं का है या जो उसके ऊपर भाष्य लिखे गए हैं उनका अलग आता है, और वो लोगों ने आम लोगों ने लिखे हैं जो थोड़े बहुत जानकार रहे हैं, जिन्होंने धम्म की प्रैक्टिस की या नहीं की कह नहीं सकते, मगर वो सुन सुन के जिन्होंने लिखा है वो अलग तरह का है, और जिन्होंने धम्म का प्रैक्टिस करके विपश्यना करके लिखा है वो अलग तरह का है। तो डिफरेंस का पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने धम्म सीख के लिखा है या धम्म को पढ़ के लिखा है, ये अंतर पता चल जाता है। ये तीज का क्या कॉन्सेप्ट है? तीज भी एक फेस्टिवल आई थिंक सो सावन में पड़ता है, और जो आपने बताया है अभी पौर्णवासी का, उसमें हम उपासकों का उस दिन का क्या रूटीन होना चाहिए, बौद्ध उपासकों को क्या करना चाहिए उसमें? देखो तीज के बारे में तो मैंने सर्च करने की कोशिश की थी, तीज का अभी मुझे मिला नहीं है, कहीं कोई संदर्भ आएगा तो तीज का मैं बताऊंगा। और आप ये पूछ रही हैं कि जो सावन पूर्णमासी का दिन है उस दिन क्या करना चाहिए हमको,
हाँ जी हाँ जी असल 12 की 12 पूर्णमासी और 12 की 12 जो ब्लैक मून होता है, नो मून यानी अमावस्या जो होता है वो, और 12/8 हमारी क्या बोलते हैं सफेद वाली, और 12/8 काली वाली। सफेद वाली वो जो जब चंद्रमा आगे बढ़ता है और रोशनी सफेद होती है, और काली वाली वो जो जब चंद्रमा घटता है उस समय जो 8वां दिन होता है। ये महीने के 4 दिन हमको प्रैक्टिस, धम की प्रैक्टिस करने के लिए बताए हैं, और पहले लोग करते थे बुद्ध विहार में जाके, यानी घर में प्रैक्टिस नहीं होती थी, तो घर में 5 सील वो अपनाता था, तो बुद्ध विहार में 1 दिन पहले जाता था और वहां वो अपने भिक्खु के साथ में रहता था, और वहां पे जाके वो पूरा दिन प्रैक्टिस करता था धम्म की, कि धम्म कैसे काम करता है। तो महीने में 4 दिन उसको जाना होता था, वैसे आप ये समझोगे जैसे 8वें दिन उसको जाना पड़ता था, तो 8 दिन में धम्म पुराना ना पड़े इसलिए हर 8वें दिन लोग जाते थे। और इसके अलावा जो ये जो आते हैं ना, ये जो दुर्गा पूजा जो आती है जिसको आप दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं, तब लोग 9 दिन का और 8 दिन का लगातार लगातार करते थे, उसमें 8ठांगिक मार्ग को लगातार बताया जाता था, 1 दिन रोज एक जो अंग है उसको बताया जाता था, भिक्खु बताते थे और प्रैक्टिस किया करते थे उसकी, धम्म की साधना विपसना मेडिटेशन ये सब भिक्खु सिखाते थे और उसमें ये काम आता था। तो अभी तो वो प्रैक्टिस है नहीं बेसिकली, तो हमें बुद्ध विहार में जाना चाहिए, जैसे कल पूर्णमासी है तो आज जाना चाहिए हमको, और वहां जाके हमको 8 सील लेने चाहिए, 5 सील तो हम देते हैं, उनका पालन करना चाहिए, भिक्खु के साथ रहना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए, जैसे भिक्खु बताएं जो नियम है वो करना चाहिए, धम्म को सुनना चाहिए, धम्म का तर्क वितर्क करना चाहिए, जो चीज समझ में नहीं है वो पूछना चाहिए, और अगले दिन हमको आना चाहिए वहां से शाम को। तो ये काम था पहले, मगर अब तो धागा बांधने का उन्होंने सिस्टम बना दिया है, बस धागा बांधते हैं, उसमें भी जुआ खेलने का बना दिया है, लोग शराब पीते हैं, लोग क्या बोलते हैं फेस्टिवल के नाम पे इकट्ठे होके, अब तो गिफ्ट का चलन बहुत हो गया, मार्केट बहुत बढ़ गई है, लोग पैसे अधाधुंध खर्च करते हैं, राखियां चांदी की सोने की हीरे की धागे की बिजनेस हो गया सारा का सारा, और वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो हमारा तो सिस्टम सिर्फ इतना ही था कि हम उस दिन धम्म को लगातार सीखें, और सारी पूर्णमासी में यही सिस्टम है। और ये सावन में जो लड़कियों को गिफ्ट देने की प्रथा थी, स्पेशली कि जो मैरिड लड़कियां हैं उनके लिए कुछ सामान जाना चाहिए, खाने पीने का, कपड़े उनके ससुराल में, वो कॉन्सेप्ट क्या था, क्या वो अभी आगे हमें जारी रखना चाहिए, कुछ ऐसा है? नहीं, लड़कियों को कुछ भी देने का कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, क्योंकि लड़की प्रधान देश था हमारा, महिला प्रधान देश था, महिला ही दिया करती थी, महिला हमारा मातृ प्रधान होती थी, ये तो महिलाओं को कमजोर किया गया है, उनके साथ में जब जाता है, उनके उनके साथ में जब पैसे जाते हैं, उनके साथ में दहेज जाते हैं, तो उनके मन मस्तिष्क में एक बात डाली जाती है कि तुम बोझा हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, देखो तुम्हें शादी करने के लिए भी हमें कितना पैसा देना पड़ता है, मतलब उनकी इतनी वैल्यू खत्म कर दी कि आज की डेट में अगर कार ना मिले तो बंदा शादी नहीं करता, इतना ज्यादा उनको डिमोलाइज किया बेसिकली। ये जो दुर्गा जो पूजा होती है, दुर्गम कार्य की पूजा, पूजा का मतलब होता है पावन वचन, बुद्ध के पावन वचन, और दुर्गम माने होता है कठिन, कठिन बुद्ध के पावन वचन। तो ये 8 दिन तक जिसको 8वीं बोलते हैं, ये जो 8 दिन तक लगातार काम करती, ये महिलाएं करती थी, पुरुष नहीं करते थे, महिलाएं बाकायदा धम्म की प्रैक्टिस करती थी, और बड़ी कठिन प्रैक्टिस करती थी, वो इतनी साधना करती थी हिलती भी नहीं थी, जिससे कि ये मुहावरा बना के क्या बोलते वो हथेली पे उसने सरसों जमा लिया, हथेली पे सरसों जमाना ये पाली का वो है मुहावरा है, कि महिलाएं विपसना साधना में इतना ज्यादा रत हो जाती हैं कि अपना हाथ भी नहीं हिलाती, अगर उनके हाथ पे आप मिट्टी रख दो और उसमें जौ डाल दो या उसमें सरसों डाल दो तो वो उग आती है, यानी 8 दिन तक वो फूट आती है, इसका मतलब हाथ हिला नहीं है। तो वो परंपरा आज भी है, बहुत सारे लोग आज भी क्या बोलते हैं जब बैठते हैं उसमें 8वीं के दिनों में, तो वो लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी जमा देते हैं और वो पड़े रहते हैं, और वहां जौ उगाती है, वहां बाल उगाते हैं, वहां गेहूं की फसल उगाती है, तो उसको कहते हैं हथेली पर सरसों जमाना, यानी कठिन काम है, दुर्गम काम है। तो सारी महिलाएं बहुत ज्यादा हमारी दबंग हुआ करती थी, उनकी जो इच्छा शक्ति है यानी जो शक्ति पठान है, और जो उनके अंदर जो स्थापित करने वाला जो बल था वो बहुत ज्यादा होता था, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए और महिला शक्ति को खत्म करने के लिए उनको दुर्गा से यानी दुर्गम काम करने वाली से, उनको घरेलू काम करने वाली नाजुक और उनको कमजोर सिद्ध करने के लिए बार बार और उल्टा पलटा उल्टा कहने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं। इसीलिए उनके साथ में उनको वस्तु मानते हुए आदमी की वैल्यू ऊपर करते हुए कि तुमको हम औरत तो दे ही रहे हैं और तुम्हारे घर भेज रहे हैं और उसके अलावा हम तुम्हें पैसा भी दे रहे हैं और हम तुम्हारी इज्जत करेंगे, अपनी लड़की की इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए आज भी जब लड़की के माँ बाप आते हैं तो वो दामाद के तो पैरों में पड़े रहते हैं और अपनी लड़की को कहते हैं कि तू यहीं मर और यहीं जी, क्योंकि हमारी महिलाएं बड़ी दबंग थी और मातृ प्रधान हमारा देश था, इसलिए हम आगे थे।
तो वो शक्ति उन्होंने तोड़ी है, हमारी तो सारी शक्ति खत्म कर दी उन्होंने तोड़ के, सारी परंपरा उल्टी बना दी। और किसी का कोई और अगर सवाल है तो वो अभी सुधीर जी ले सकते हैं। हाँ जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आप पूछिए जोहरी साहब। हाँ, जो नवरात्रों वाला भी कुछ ऐसा ही है जो वो करते हैं कि नवरात्र को ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये की कहानियां है या इनमें कुछ सच्चाई भी है? धम से देखो, जो नवरत्न है यानी जो त्रिरत्न होते थे हमारे, क्योंकि रत्न अगर कहीं भी लग जाएगा तो वो हमारे बुद्ध के वचन होते हैं, तो नौ रत्न हुए या क्या बोलते हैं आठ रत्न हुए या पांच रत्न है या सात रत्न है, बेसिकली ये अठवीं से आते हैं, आठ रत्न है ये। अठवीं भुलाने के लिए उन्होंने नौवें दिन इसको फेस्टिवल के रूप में किया है कि दुर्गम काम कर लिया है तो उस दिन लोग अगले दिन फेस्टिवल वगैरह करते थे कि हमने विपसना साधना तपस्या आठांगी मास जो हमारे आठ रत्न है उनको अच्छी तरह से हमने सीखा, उनको फॉलो किया, उनको जाना, उनकी प्रैक्टिस की, तो नौवें दिन वो फेस्टिवल मनाते थे। इसलिए हमारे लोग अठवीं मानते हैं और उनके लोग जो उन्होंने इसको बदला वो नौमी मानते हैं। तो नवरत्न जो होता है या नवरत्न जो होता है वो नौ तरह के गुण होते हैं, आठ तरह के गुण होते हैं जिनको आठ रत्न, मगर उन्होंने नौ किया। और ये जो नाम दिए हुए हैं ये नाम भी सारे के सारे पाली के नाम हैं। इसमें एक तो बुद्ध की वाइफ है उन्हीं का नाम है जो ये नाम आते हैं, महिलाओं के आते हैं, और बाकी नाम की रिसर्च मैंने की हुई है वो सारे पाली से लेके संस्कृत में बदले हुए हैं। दरअसल उनके पास में कुछ नहीं है, जो कुछ है यहीं का चेंज करके है, और वो हमें ही पकड़ा दिया, हमें गुलाम बनाने के लिए उसको बदल के उन्होंने दे दिया। उनकी कल्चर में कुछ नहीं है, सारी कल्चर हमारी है। तो सर ये जो ये लोग कहानी सुनाते हैं, महिषासुर की हत्या कर दी दुर्गा ने, और क्योंकि हमारे कुछ खास लोगों ने हमें सुनाया कि ये तो एक गलत लेडी थी और इसने नौ आठ दिन उसके साथ रही, दस नौवे दिन मार दिया, वो सब भी क्या एक अलग ही कॉन्सेप्ट है? मतलब सब फेक है ये सारी चीजें? कर्नाटक के अंदर जो महिषासुर है उसका स्टैचू लगा हुआ है, जो महिषी और जो महिषा है वो भैंस और भैंसे को बोलते हैं, और जो सर है वो हेड को बोलते हैं, यानी कि जैसे धेनु, धेनु जो शब्द है वो भारत का शब्द है, पाली का शब्द है जिसका मतलब गाय होता है, और जो गौ शब्द है उसका मतलब गौतम है। कहीं अगर आपको गौ शब्द से कोई भी चीज मिलेगी तो वहां से गौतम संबंधित है वो चीज, यानी गौतम के बुद्ध से संबंधित है, जैसे गोरखपुर है, गोरखा है, गोरखा है, तो ये सारे शब्द बुद्ध के हैं। गोरखा मतलब गौतम की रक्षा, गोरखपुर माने जहां गौतम रक्षा करने के लिए रहते थे वो गढ़ हो गया, और जहां धेनु शब्द आता है वो आता है काऊ के लिए, तो महीस और महिषा जो आता है वो भैंसा के लिए और भैंस के लिए आता है, और भैंस और भैंसा यहाँ के पुराने क्योंकि ब्लैक हैं वो और यहाँ की कल्चर के हैं, और जो व्हाइट एनिमल होता है वो ऊपर से आता है। इसलिए जो हमारे जो लोग हैं जो नीचे रहते हैं सारे के सारे, वो महिषासुर यानी के भैंसों के हेड हैं, उनको उनको चलाने वाले, उनको पालने वाले, और पहले वो पूंजी हुआ करती थी, जिसके पास जितनी ज्यादा भैंसे भैंसे हो गए वो उतना ही बड़ा ज्यादा मालदार माना जाता था, क्योंकि ये असेट्स होते थे उस समय। तो वो जो महिषासुर है वो राजा है, और महिषी करके कोई राज्य रहा होगा कभी नीचे, तो वो राजा रहे हैं, और ये जो दुर्गम काम करने वाली है ये भी हमारी महिला रही है, कोई गलत फहमी कोई रही होगी, क्योंकि दुर्गम काम करने वाली महिलाएं बहुत रही हैं, खाली एक दुर्गा नहीं है, दुर्गा आपको जगह जगह मिलेंगी। अगर मैं ये कहूं कि शर्मिला जौहरी भी दुर्गम काम करती हैं और वो भी दुर्गा हैं, तो पाली के हिसाब से दुर्गम बोलते हैं उसको, दुग्गा या दुर्गम, दुर्गम को उन्होंने दुर्गम किया है, दुग्गा को उन्होंने दुर्गा किया है, तो दुग्ग से बना हुआ है। जो कहते हैं ना जब दुर्ग पे जा रहे हैं हम, दुर्ग पे जाने का मतलब है ऊपर जा रहे हैं, कठिन रास्ते पे जा रहे हैं, तो उसको दुर्ग दुग्ग बोलते हैं। तो उन्होंने ये कहानियां बनाई हुई है, इन कहानियों की इष्टियां बदली हुई है। दरअसल महिषासुर भी हमारा है और दुर्गम काम करने वाली महिला हमारी है, वो गलतफहमी में या उसको खरीद के बेच के बढ़ा दिया होगा, मरवा दिया होगा, ये तो षड्यंत्र आज भी चलते रहते हैं, कहीं आदमी को भेज के औरत को मरवा देते हैं, कहीं औरत को भेज के औरत को मरवा देते हैं, ये पॉलिटिक्स चलती रहती है, उस समय भी चलती रहती है। इसलिए आप ये मानो कि वो राजा भी हमारा है और ये दुर्गम काम करने वाली महिला भी हमारी है, उनके झगड़े पैदा करा दिए होंगे कहीं ना कहीं, तो बात खराब हुई होगी। क्वेश्चन था एक सर, सुधीर क्वेश्चन है सर, एक मेरा भी है एक क्वेश्चन मेरा भी है सर, उसमें बोलिए बोलिए सर। मैं चाह रहा था जैसे आप बोल रहे हैं दुर्ग, दुर्ग का मतलब किला भी होता है सर, ऊंचा मतलब जो रास्ता भी होता है सर। देखो दुर्ग का मतलब होता है जो, दुर्गम का मतलब है जो कठिन होता है, तो जो कठिन है, क्योंकि पहले जो दुर्ग बनते थे वो ऊंचाई पे बनते थे, कठिन रास्ते बनते थे, जितने भी आप किले देखोगे दुर्ग देखोगे वो पहाड़ों पे ऊपर बनते थे, नीचे कोई नहीं बनता, तो कठिन रास्ता होता है, तो कहते हैं दुर्गम, दुर्गम है तो दुर्ग हो गया उसका, ऐसे बनता है जी, उच्च से ऊंचा।
आपका क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे ना, कुछ लोग और भी हैं अभी, परिहार जी हैं। परिहार जी आपको एक मिनट में लेता हूँ, उससे पहले आरआर सुमन जी हैं, इनको ले लेते हैं। आरआर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सॉरी, हाँ जय भीम, नवो बोधाय। इसके बाद परिहार जी आपको लेंगे। जी, मेरा प्रश्न ये था, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छी जानकारी आप हमें मतलब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें सुन के। मैं पहले ये बताना पूछना चाहूंगी कि सर ने जो बताया हमें सावन रक्षाबंधन के ऊपर, तो इसके बारे में कहीं पे किसी बुक में दिया हुआ है कि जहाँ पे हम और सूचना इसके बारे में प्राप्त कर सके, कहीं किसी बुक में प्रमाणित है कि जिसके बारे में हम जानकारी ले सके? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आप दुनिया में प्रमाण ढूंढेंगी, रेफरेंस ढूंढेंगी, तो हमेशा ध्यान रखना कि रेफरेंस ना वन साइडेड मत ढूंढना जी, क्योंकि वो जो चालाक लोग हैं वो क्या करते हैं कि पहले वो ये कहते हैं कि रमेश काटके जो थे वो रमेश काटके, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और एक ब्राह्मण ने उनको पढ़ाया, ऐसा वो चार लाइन एक किताब में लिखेंगे जी। और उस किताब का ना कोई राइटर होगा, ना कोई लेखक होगा, ना कोई प्रकाशक होगा, ना उसका कोई टाइम होगा। फिर वो दूसरी किताब लिखता है एक बंदा, वो कहता है कि रमेश काटके जी ने एक ब्राह्मण की पूजा की, वो उनके गुरु थे, वो उनके पैरों में पड़े रहते थे। रमेश काटके को तो कुछ आता नहीं था, सब कुछ जो आशीर्वाद था वो गुरु जी का था, और गुरु जी ये और गुरु जी वो। और फिर वो कहेगा ये रेफरेंस मैंने फलानी किताब से लिया है, पहले वाली किताब का रेफरेंस देगा जिसका कोई रेफरेंस नहीं है। फिर तीसरी किताब लिखेगा, फिर उसमें लिखेगा कि रमेश काटके के जितने खानदान में लोग थे वो सब हमारे गुरुजी के चरणों में पड़े रहते थे और वो गुरुजी की सेवा करते रहते थे, उन्होंने बहुत माथा पीटा, फिर वो उन्होंने चरणों में लेटे रहे, अपना सब कुछ दे दिया जितना उनकी जमीन जायदाद थी, तब गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम अगले जन्म में जाके बनोगे, तो फिर रमेश काटके पैदा हुए और वो गुरुजी के आशीर्वाद से हुए। ये रेफरेंस हमें पिछली किताब से मिला। तो किसी भी अगर आप जाओगे तो किसी का लास्ट रेफरेंस ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा। जैसे एक ब्राह्मण से मैंने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा हम ब्राह्मण है। मैंने कहा कौन सा ब्राह्मण हो? तो वो कहता है हम भार्गव ब्राह्मण है। मैंने कहा ये भार्गव क्या होता है? तो कहता है जी भार्गव ऋषि जो होते हैं उनसे हमारा नाम पड़ा है। तो मैंने कहा भाई भार्गव ऋषि का नाम कहाँ से पड़ा? मेरा नाम तो भार्गव ऋषि से पड़ा, भार्गव ऋषि का नाम कहाँ से पड़ा? तो वो काली खेल गया, कह रहा जी मुझे तो पता नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ के आना, पूछ के आना कहाँ से पड़ा। तो दरअसल क्या है, बुद्ध के जितनी बातें हैं वो प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि बुद्ध ने पहले उनको अनुभव किया है तब लिखा है। तो बुद्ध की बात की तो रेफरेंस की आवश्यकता है नहीं। बुद्ध ने कहा इसको चेक कर लो, आप जो बात उसको चेक कर लो। और जो बुद्ध के बाद में जो पहली संगति है उसके प्रूफ मिलते हैं उन कथाओं में, बुद्ध की जो बात के जो भिक्षु हैं उन्होंने बताया हुआ है और ये प्रमाणित है। क्योंकि बुद्ध के जितने भी सूत्र हैं, अगर कोई ये कहता हो कि ये बुद्ध के सूत्र नहीं है तो भी बुद्ध ने ये कहा है कि इनको चेक कर लो। बुद्ध के नाम से ना भी जानोगे तो भी वो सूत्र काम करते हैं। मैंने सारे चेक किए हैं, वो काम करते हैं, वो सारे बुद्ध ने जो लिखे हैं। और जो बुद्ध के नहीं लिखे हुए वो पता चल जाता है कि ये उनके कुछ बात के लोगों ने गड़बड़ किया हुआ है, ये उनके नहीं है। तो रेफरेंस आपको मिल जाएगा, त्रिपिटक में रेफरेंस है, रेफरेंस आपको उसमें मिल जाएगा इसका, सूत्र रखा सूत्र बंधन का, जहां ये पहली सतपर्णी गुफा के अंदर पहली संगति लगी है उसका है रेफरेंस, है पूरा पूरा आप पढ़ेंगी। मगर अगर आप ये कहें कि उसका रेफरेंस कहां से आया तो वो रेफरेंस आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो पहले बोला गया है, सुना गया है, फिर वो पत्थरों पे लिखा गया है, फिर वो ताम्र पत्र पे लिखा गया है, फिर वो श्रीलंका गया है, फिर वहां से कन्वर्ट होके इधर आया। जी, ओके, धन्यवाद आपका। जी परिहार साहब बताएं। हाँ जी भाई साहब, एक राजा बलि और रक्षा बंधन से भी एक इनका है कि राजा बलि को मार के उसके बाद इन्होंने याद कराने की ईयरली, तो ये रक्षा बंधन उस हिसाब से धागा या रक्षा का धागा बांधने हमें ये याद कराने के लिए, जैसे कलावा है तो वो बांध के हमें गुलाब बनाने की वो प्रथा है, वो याद रखने के लिए कि हम गुलाम है ऐसा कुछ, तो वो भी रक्षाबंधन से ही कहीं बनाने का लिंक बना रहे हैं। जो राजा बलि का मैंने एक रेफरेंस थोड़ा सा पढ़ा था वो ये था कि जब राजा बलि की धोखे से हत्या की गई और हमारी जो माता बहनें उन्होंने ये प्रण किया कि जब तक हमारा राज वापस नहीं आएगा तो हम चैन से नहीं बैठेंगे, तो लंबा समय था, क्योंकि आज की तरह कम्युनिकेशन तो है नहीं कि अभी हम 170 लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं और फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बताते हैं कि हमारी जो माताएं बहनें थीं उन्होंने अपने जो लड़के थे उनके कान छेद के उसमें एक वो डाला, क्या बोलते हैं, धातु का कोई छल्ला डाला या कोई कील डाली और उसको उन्होंने बलि नाम दिया, बलि।
और उनको कहा कि भाई ये हमारे राजा की निशानी है, इसको जिंदगी भर याद रखना, इसलिए हमारे जो लड़के हैं बहुत सारे लड़कों के कान चुभे हुए और वो राजा बलि, तो वो बलि से बाली बन गया, तो वो राजा बलि उसी की पहचान में। बाकी रक्षाबंधन का मैंने पढ़ा नहीं कि वो धागा बांधने का कहीं वहां से सूत्र बना है। हाँ वो बांधने का वो वहीं से, हाँ कलावा बांधने में जो वो सूत्र पढ़ते हैं, जो क्या बोलते हैं संस्कृत में पढ़ते हैं, उसका अर्थ जो बताते हैं कुछ लोग, हाँ वो कहते हैं कि ये गुलाम बनाने का है कि जैसे हमने तुम्हारे राजा को गुलाम बनाया वैसे तुम हमारे गुलाम हो, गुलाम हो, गुलाम हो, तो वो लोग बांधेंगे तो वो तो गुलाम का सूत्र होता ही है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे चिन्ह बनाए हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि हम मानसिक रूप से गुलाम है, जैसे काला धागा है या टीका है काला, या क्या बोलते हैं वो हाथ में जो लाल रंग का धागा है वो है, या कमर में कौन नहीं उसका बांध धागा बांधने का है, तो वो बहुत सारे चिन्ह उन्होंने बनाए हुए हैं। और औरतों के तो गुलाम बनाने के बहुत सारे चिन्ह हैं, उनको तो पैरों में भी इतने सारा बेड़े डाल रखी हैं, हाथों में भी, गले में भी, कमर में भी, सारे सारे भैया, हाँ उनको तो बहुत ज्यादा सिंबल, और यहाँ तक कि उनकी तो उनके तो बालों में भी लाल रंग डाला हुआ है उनकी पहचान के लिए, गुलाम बनाने के लिए, तो वो उनके तो बहुत ज्यादा चिन्ह है, आदमियों के फिर भी कम है, रोली वगैरह जो है। ठीक है सत्य प्रकाश जी, ओके थैंक यू थैंक यू जी। काटके जी बोल, कुछ पूछ रहे थे सर। मैं यही बताता, आपने जो बताया कि इनकी आदत होती है कि पहली बार किसी ने लिख देना फिर उसका रेफरेंस देना, बुद्ध के साथ भी ऐसा कभी कभी भीड़ जाती थी, जैसे काकतीय ब्राह्मण का एक डायलॉग है बुद्ध के साथ जो बाबा साहब ने बुद्धायनी धम्म में दिया है, कि काकतीय ब्राह्मण बोलता है कि हम तो मुख से पैदा हुए है और तुम तो भोग भो बोलते थे गौतम को, गौतम भो गौतम, तो इसका रेफरेंस बाबा साहब ने राइस एंड फॉल ऑफ इंडियन हिंदू वुमेन इसमें भी दिया, रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन में बाबा साहब ने कई बार एग्जाम्पल दिए कि इनकी चालबाजी कैसी होती है, तो इसका मतलब है हमको बहुत चलाकी से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारी सारी जड़े है इन्होंने बर्बाद कर दी है, रेफरेंसेस कहाँ से लाए है, कहाँ से क्या उठाया इन्होंने। ये जो आप भो शब्द बोल रहे हो ना, ये दरअसल श्रीमान का मतलब होता है, जो भो अगर गौतम बोलेंगे तो इसका मतलब है श्रीमान गौतम, लेकिन वो भो शब्द सर जो इक्वल एज का होता है उसी के लिए होता था ना, नहीं भो भो माने जो होता है अहो श्रीमान होता है, भो से फिर भाऊ भी हो गए ना, जैसे मराठी में भाऊ बोलते हैं जो सम वयस्क होता है उसके लिए, उन्होंने देखिए पूरा शब्द जो है वो अहो श्रीमान जो भो और श्री है, श्री माने हेड होता है और भो माने अहो यानी बहुत अच्छा और श्रीमान, तो पूरा शब्द ये है, उसको उन्होंने गाली बना दिया बाद में। अच्छा उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। हाँ बुद्ध के बारे में भी काफी गलत सलत बताया फिर बाद में जाके उन्होंने, वो बाद में हुआ है, ये लगभग अभी 600 साल पहले ज्यादा गाली गलौज हुई है बुद्ध के साथ में ना। इसका मतलब है मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा जो है जैसे साइंस जर्नी में भी बताया जाता है वो चैनल पे, और आपका भी वो बमन जो शब्द है पहले बमन था, ब्राह्मण तो बाद में संस्कृत में आया, इसका मतलब ये सारी उनकी रचनाएं है ये तीसरी चौथी शताब्दी के बाद वाली नजर आती है। नहीं देखो काटके जी, मैंने ब्राह्मण शब्द पे और ब्रह्म शब्द पे बड़ा रिसर्च किया और मैंने ये पाया कि डिक्शनरी का ना एक हायरार्की होता है, जो डिक्शनरी होती है चाहे वो इंग्लिश की है चाहे उर्दू की है, जो जब कोई शब्द कहीं से ड्राइव होता है तो उसके आगे पीछे उसका विश्लेषण यानी एग्जेक्टिव, उसका नाउन, उसका प्रोनाउन, उसका सारे वर्ड उसके मिलते चले आते हैं और उसका अर्थ वही देता है। मगर एक भ्रह शब्द यानी ब्राह्मण शब्द एक भ्रम शब्द ऐसा है कि डिक्शनरी में आप ढूंढोगे तो पहले शब्द का अर्थ दूसरे शब्द से मिलता ही नहीं है, वो इतने फेक शब्द हैं जो जोड़े गए बाद में, जिसका जो मनाया उसका वो अर्थ हो गया और वो नेचुरल ड्राइव शब्द नहीं है वो, और भारत का शब्द नहीं है वो, अगर भारत का शब्द होता तो वो बुद्ध के साथ होता, वो भारत का शब्द है। जैसे आज भी जेम्स प्रिंसेप का जन्मदिन है ना, जेम्स प्रिंसेप ने ही धम्म लिपि को काफी उजागर किया और हमें पता चला उसके बारे में सम्राट अशोक के लेख के बाद, और ये तो सारा फिर जुगाड़ बना हुआ है सारा इतिहास में। हाँ ये इसीलिए क्या बोलते हैं, अगर देखिए अगर हमको पढ़ने की क्षमता इतनी है कि हम उन काले अक्षर और सफेद पेज के आर पार देख सकते हैं तो हम बाबा साहब को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और जानते हैं, और अगर हम वो सफेद कागज पर लिखे हुए काले अक्षरों को पढ़ के रट्टा मारते हैं तो फिर हमारा तो सिर्फ डिग्री लेने का काम है और नौकरी करने का है, हम नहीं देख सकते क्योंकि बाबा साहब ने बहुत कुछ फिल्टर करने की कोशिश की है, फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी फिल्टर होनी बाकी है। और पाली तो पाली में तो इतना स्कोप है कि पाली में अगर आज 1000 लोग रिसर्च करने के लिए लग जाएं तो उनकी पूरी जिंदगी चली जाएगी और वो रिसर्च खत्म नहीं होगी, और पाली सारा हिस्ट्री दोबारा से खोलती है।
सर ये तो बहुत सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं जो 26वां चैप्टर जो है ना धम्मपद का, वो तो ब्राह्मण वग्ग है, उसमें न जच्चा वसल होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसल होती कमुना होती ब्राह्मणों, तो इसका मतलब जो ब्राह्मण शब्द जो सारा धम्मपद है हमें उल्टा सीधा करके रख दिया होगा। नहीं, वो बाद में जोड़ा गया है ब्राह्मण जो वग्ग है, क्योंकि बुद्ध कभी ब्राह्मण वग्ग नहीं लिखेंगे। बुद्ध जैसा भ्रमण बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको, सुनिए, तो बाद में जाके हुआ। नहीं नहीं सुनिए उसका, आप ये मान लीजिए ये रीजन नहीं है, आपको कोई अगर धम्मपद ना भी पड़ेगा तो भी वो कह देगा कि ब्राह्मण पद झूठा है, उसका रीजन बताता हूँ आपको। देखिए बुद्ध जैसा व्यक्ति कभी जाति के ऊपर या वर्ण के ऊपर कोई वग नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर जाति और धर्म के ऊपर या जाति और वर्ण के वर्ग के ऊपर अगर कोई बुद्ध जैसा व्यक्ति अगर लिखेगा या बोलेगा तो सबसे पहले श्रमण के ऊपर लिखेगा, क्योंकि बुद्ध खुद श्रमण थे, तो श्रमण वर्ग नहीं है उसके अंदर। फिर अगर वहां उस समय अगर मान लो ये मान लें कि और भी अगर कोई वर्ग था, वैसे तो था नहीं, तो क्षत्रिय के ऊपर लिखेगा, तो वो खेतिय थे तो खेतिय वर्ग होना चाहिए, तो शूद्र वर्ग होना चाहिए, तो शूद्र वर्ग नहीं है वहां, क्षेत्रीय वर्ग नहीं है वहां पे, जो ये श्रमण वर्ग है वो नहीं है। अच्छा और भी कुछ नहीं तो कम से कम किसान वर्ग होना चाहिए था, क्योंकि वो कृषक थे किसान थे, उसका कोई वर्ग नहीं है। कोई जाति का जैसे लोग कहते हैं कोई वर्ग है उसका वर्ग होना चाहिए, तो उन्होंने कोई भेद नहीं किया, तो जब वो भेद नहीं करेंगे श्रमण वर्ग तक तो वो लिख नहीं रहे हैं, तो वो ब्राह्मण वर्ग क्यों लिखेंगे? बुद्ध जैसा व्यक्ति अगर ब्राह्मण को प्रमोट करता है तो बुद्ध कहाँ रहेगा फिर, वो फिर कैसे बुद्ध हो जाएगा वो? आपके एक वीडियो में ये भी मैंने सुना है कि खेतीय शब्द जो है क्षत्रिय जो आया है वो खेती से बना हुआ, खेती करने वाला वो खेतीय था, ऐसा ही है कि बुद्ध का जो रेफरल क्षत्रिय बताते हैं, तो क्या वो खेती करने वाले थे इसलिए खेतीय थे क्षत्रिय नहीं? हाँ, दरअसल क्या है उनका उनका 11 साल की एज में हल चलाने का जिक्र तो बाबा साहब ने भी दिया है कि वो 11 साल की उम्र में जामुन के पेड़ के नीचे के जम्मू पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वो खेत उस समय वप मंगल उत्सव होता था खेत बोलने का। ये जो वप्पा मोरिया जो आता है फेस्टिवल जो अभी आएगा ना उसमें मुंबई में जो आएगा अभी ये अगले परसों तो जल्दी आता, असल ये वप्पा जो है ये बीज बोने का उत्सव है, धान बोने का उत्सव है, क्योंकि बारिश पड़ रही है अभी और बारिश इतनी ज्यादा पड़ रही है, अब धान बोया जाएगा उन क्षेत्रों में जहां बारिश है, तो धान बोने का जो फेस्टिवल है उसको वप मंगल उत्सव बोलते हैं, और वप मंगल उत्सव से ही वो वप्पा मोरिया बना है कि वो अगले वर्ष तो फिर आना, यानी अब के हमने धान बो दिया अगले वर्ष तो फिर आना, फिर हम धान बोएंगे। और ये जो टोटल जितना भी बताते हैं या चलता है, क्योंकि सारा काम खेत का होता था और छह वर्ड तो कहीं है नहीं, छह वर्ड पूरे पाली में कहीं है नहीं, क्योंकि छह बनता है आधे के और शे से, और शेष जो शब्द है वो पाली में नहीं है, तो ये खेत थे, तो खेत को क्षेत्रफल भी बोलते हैं और क्षेत्रफल भी बोलते हैं। आप देखोगे कि जो खेत को क्षेत्र बनाया गया है तो उन्होंने क्षेत्रफल अलग कर दिया है, खेत अलग है, क्षेत्रफल नहीं सुनोगे आप, मगर आप खाती है खेती है खत्ती ऐसे बहुत लोग सुनोगे, भाई आप कौन हो? हम खत्री हैं, हम खाती हैं, हम खेती हैं, हम खेती हरे हैं, हम खत्ता हैं, हम खत्ते पर जा रहे हैं हम, तो वो जो खेतीय लोग थे वही क्षेत्रीय लोग थे। और जो साकेत जो शब्द बना हुआ है वो बनाया साग सब्जी उगाने वाले जो खेत थे, साक्य खेत, तो वहां सारे लोग वही रहते थे जो साग सब्जी उगाते थे, यानी जो फसल पैदा करते थे हरी सब्जी पैदा करते थे, तो वो साक्य खेत से साकेत बना हुआ, तो साकेत से साकेत हुआ। सर इसका मतलब सारी भारतीय भाषाओं की जननी पाली और अर्धमागधी है, संस्कृत नहीं है, बराबर है सर? सर सर एक्चुअली ना अभी और भी लोग हैं, सॉरी सर सॉरी सॉरी, धन्नालाल जी, धन्नालाल जी, जी सर नमो बुद्धाय सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। अच्छा पहले धन्नालाल जी हैं, उसके बाद इलियास मूल निवासी जी हैं, एसपी जौरी साहब, वीरेंद्र सिंह जी, और उसके बाद सुदेश तनवर जी। धन्नालाल जी बताएं। सर मेरा एक छोटा सा निवेदन यह है कि हम जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं सुन भी रहे हैं पढ़ भी रहे हैं, क्या उनका जो अभी परिचर्चा चल रही है उनसे कुछ लिंक है या नहीं है, कृपया बताएं, धन्यवाद। हाँ बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है उनसे सारी बात लिंक करती है, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिज्ञा में 5 पंचशील हैं, 8 शील का मार्ग है उसके अंदर, और वारित नियम दिए हुए हैं। बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है वो जो भी हम जिक्र करते हैं और जितना भी हमने आज तक जिक्र किया है इसमें पूरे क्या बोलते हैं इसमें पोर्टल पे जो हम 3 महीने से कर रहे हैं, वो हर बात बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा से होकर जाती है, एक बात भी ऐसी नहीं है जो 22 प्रतिज्ञा से बाहर है उनकी। ठीक है धन्यवाद सुधीर जी। इलियास मूल निवासी जी। जय मूल निवासी सर।
जी जय मूलवंश बताइए। जी मैं इलियास उड़ीसा से। जी बताएं सर। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं जिसका थोड़ा जानकारी चाहिए मुझे। पहला ये कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान मिला था बोध गया में। हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है जी। तो ज्ञान, वो क्या ज्ञान मिला था उसकी जानकारी थोड़ी चाहिए पहला। और सर दूसरा एक सवाल है कि जब दुर्गा जी का मूर्ति बनता है तो उसमें वैश्यालय से मिट्टी लाके क्यों मिलाया जाता है, ये दो जानकारी चाहिए थी। देखो ज्ञान जो उनको मिला है वो ज्ञान बहुत सरल और सिंपल है। वो ज्ञान ये है कि जब इलियास मूल निवासी खाना ज्यादा खाते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है जी, और पेट में दर्द होता है तो उनको टेलीफोन तो आता नहीं है कि पेट में दर्द हो रहा है, कोई चिट्ठी भी नहीं आती, ठीक है ना जी। एक सेकंड जरा, हाँ, हाँ बोलो मैम, मीटिंग में हूँ, बोलो। ओके ओके बाद में बात करता हूँ। ओके, तो जो जो पेट में दर्द हुआ है उसका ना टेलीफोन है, ना टेलीग्राम है, ना ईमेल है, ना व्हाट्सएप है, तो कैसे इलियास मूल निवासी को पता चलता है कि पेट में दर्द हो रहा है? और जब वो पेट में दर्द ठीक होता है तो कैसे पता चलता है कि पेट में दर्द ठीक हो गया? तो कैसे पता चलता है कि सर में दर्द हो गया, और कैसे पता चलता है कि सर में दर्द ठीक हो गया? तो ये जो शरीर का अध्ययन है, ये बुद्ध ने पूरे शरीर का अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि शरीर को चलाता कौन है। तो चलाने वाले का उन्होंने पता किया, चलता कैसे ये पता किया, फिर उन्होंने ये देखा कि पूरा शरीर काम कैसे करता है, ये बूढ़ा कैसे होता है, ये बीमार कैसे होता है, और इसमें जब खुशी होती है तो इसमें क्या चेंज आते हैं, और जब इसमें दुख होता है तो क्या चेंज आते हैं, हमारी कौन सी चीज ऐसी है जो खुश होती है, और कौन सी चीज ऐसी है जो दुखी होती है, और कौन सी चीज ऐसी है जो ना दुख होती है ना खुश होती है। ये सारा ना एक मैकेनिज्म, एक साइंस है बहुत बड़ी, जो मनुष्य जो जिसको मशीन बोलते हैं आज के समय में, उस मशीन को चलाती है। तो उन्होंने एक एक चीज को फाइंड किया और उसके डिकोड किया, यानी कि कंप्यूटर की भाषा में कहूं तो उसका उन्होंने कोडिंग प्रोग्राम लिखा, उस कोडिंग प्रोग्राम को उन्होंने पाली में बताया जिसको अभिधम्म के नाम से जानते हैं। उसी कोडिंग प्रोग्राम से कंप्यूटर बनते हैं, उसी डिकोडिंग प्रोग्राम से आज के समय में जितने भी रोबोट बनते हैं वो बनते हैं, वो बुद्ध की साइंस है सारी सारी। तो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो ये ज्ञान प्राप्त किया था कि मैं दुखी क्यों होता हूँ, कैसे काम करता है, यानी दुख शरीर में कैसे आता है। अगर मैं इलियास मूल निवासी को यहाँ से गाली बक दूं तो मैंने सिर्फ शब्द बोले हैं और आप तक वो पहुंचे हैं, और आपका जो मन है वो कैसा होगा, आपके शरीर में आग लगेगी, या आपका शरीर उछलेगा या कूदेगा, या आप बदले में गाली बकोगे या मारने आओगे या क्या करोगे, सिर्फ मैं एक शब्द बोलूंगा, उस शब्द बोलने से आपको वो चीज हो जाएगी। और मैं अगर यहाँ ये बोलूँ कि इलियास मूल निवासी तो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत नाइस है, उनका तो जवाब नहीं, वो तो सच में मूल निवासी है, तो खाली मेरे बोलने से वो आपको जो सुखद और अच्छा लगेगा, अनुभव आएगा, वो क्यों होता है और कैसे होता है, ये सारा ज्ञान है। ये सारा ज्ञान उन्होंने सिखाया है, आज भी इसको सिखाया जाता है विपश्यना के थ्रू, और मैंने इसको अच्छी तरह से सीखा हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है, मैं बता सकता हूँ इसके बारे में, मगर लंबी कहानी, मेरी वीडियोज बनी हुई है, वो देख सकते हैं। जो दूसरा सवाल है आपका, वो दूसरा सवाल है क्या था आपका? जी दुर्गा जी के मूर्ति हाँ, में जो मिट्टी मिलाया जाता, जो वैश्य शब्द है, दरअसल वो पाली का वैश्य नहीं है, वैश्य शब्द है। वैश्य शब्द बोलते हैं जो किसी वस्तु के एक्सचेंज में कुछ लेता है, आज के समय में उसको व्यापारी बोल सकते हैं। वैश्य का मतलब है कि कोई चीज आपने पैदा की और कोई बदले में कोई चीज दे के गया, उसके बदले में आपने उसको एक्सचेंज किया, बदला, उसको वैश्य बोलते हैं। और जो लोग लेन देन का काम करते थे उनको उस समय जो वैश्या बोला करते थे, यानी वैश्या व्यापारियों को बोला करते थे। तो जो पैसा लेके या सामान लेके कुछ चीज अदला बदला करें उसको, तो कुछ महिलाएं ऐसी हुआ करती थी जिनको नगर वधु बोला करते थे उस समय, पाली भगवान बुद्ध से पहले भी। तो वो नगर वधु की शादी नहीं हुआ करती थी, नगर वधु जो होती थी वो नगर की वधु होती थी, यानी कि उसकी इच्छा है कि वो किसी भी व्यक्ति के पास जा सकती है, अगर वो व्यक्ति उसे पैसा दे और वो उसको स्वीकार करे दे। तो ऐसी हर जगह जगह हुआ करती थी, और वैशाली में तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो इसलिए उनको वैसे, यानी जो एक्सचेंज करते थे उसको वैश्य शब्द बोला जाता था, तो उनका नाम ही वैश्या पड़ गया। और रही बात के वैश्या के यहाँ से मिट्टी लाना है या दुर्गम करना है, वैश्या के यहाँ से मिट्टी लाने की जो परंपरा है वो इसलिए बनी है कि जो महिला पैसा लेके और व्यापार करती है अपने शरीर का, उसके अंदर एक राग बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या वो दुर्गम काम, यानी कि वो बुद्ध की साधना विपस्ना में अपने आप को मुक्त कर सकती है, जैसा कि आम्रपाली के बारे में हुआ था। इसलिए दुर्गम काम बोला जाता था, मिट्टी तो खाली नाम है, वो दरअसल एक प्रतीक है कि क्या कोई ऐसी महिला भी
बन सकती है। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं थी जो बुद्ध के बाद आके शुद्ध हुई और अर्हत हुई और वो बहुत बड़ी भिक्षुणी हुई और वो मुक्त हो गई। इसलिए वो कहावत वहां से है और वो उनके हार्ड वर्क को डिफेम करने के लिए, खत्म करने के लिए बोला जाता है। ठीक है इलियास जी, आपका सवाल हो गया। एसपी जौरी साहब। हाँ सर, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। वीरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी या सुधीर दास सिंह, श्राद्ध करके आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। श्राद्ध करके ढूंढना या श्राद्ध करके मिल जाएगा। मेरा नाम डालने के बाद में YouTube पे आप कोई भी चीज सर्च करेंगे तो आपको सारी चीजें वहां वीडियो में मिल जाएंगी। आपको 700 वीडियो मिलेंगी वहां पे। धन्यवाद सुधीर जी, आपका जो क्वेश्चन आंसर का है उसको अभी यहीं खत्म करते हैं क्योंकि हैं साथ में। रणवीर सिंह टांग का एक क्वेश्चन है वो ले लेते। अच्छा रणवीर सिंह जी, थोड़ा ज्ञान दीजिएगा सर। रणवीर सिंह जी, नमोबुद्धाय जय भीम सर, सभी को जी नमोबुद्धाय जय भीम। मेरा सर क्वेश्चन ये था, सुधीरराज जी बताएंगे कि मैंने दमा बुद्धायन दमा भी पढ़ी है, कई जगह स्टडी किया, लेकिन खान पान में प्याज और लहसुन का क्या रोल है, मतलब मन को शुद्ध करने के लिए, जैसे बुद्ध के उसमें दम में कहीं ऐसा है तो सुनिए सुनिए। जमीन से जो प्राप्त होता है वो हमारे पुराने जो शास्त्र हैं, शास्त्र हमारे पुराने, उनको बोलते हैं वनस्पति, यानी जो वन के वन से जो पैदा होती है, जमीन से जो पैदा होती है। तो जमीन से पैदा होने वाली चीज जो पहले मनुष्य ने या जानवर ने अच्छी तरह से चेक कर लिया कि वो उसको फायदा पहुंचाती है तो उसको वो खा सकता है। इसके ऊपर ना, क्योंकि बुद्ध जो भैसज गुरु भी थे, डॉक्टर भी थे और वो सारी चीजें जानते थे, तो इसमें मात्रा का बताया गया है कि मात्रा कितनी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। और वो मात्रा जब आप साधना विपस्ना में जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप 1 किलो प्याज का रस पी जाएं तो आपके पेट में गड़बड़ होगी, 1/2 किलो पियेंगे तो कम होगी, और अगर 100 ग्राम पियेंगे तो और कम होगी, 50 ग्राम पियेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी मात्रा आपके लिए ठीक है। फिर आप समय चेक करेंगे कि भाई कौन से समय ठीक रहती है, खाली पेट, सुबह के या कुछ खाने के बाद या कैसे। तो ये सारा का सारा जो हमारे पुराने जितने भी भिक्खु थे उन्होंने इन सबको एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ है। और कहीं भी लहसुन का या प्याज खाने का नियम बंद नहीं किया उन्होंने। हाँ, एक बार एक भिक्खु लहसुन खा के आया था और वो उपोषत में जब सारे भिक्खुओं के साथ बैठा तो उसको डकार आई, डकार आने से दूसरे भिक्खुओं को व्यवधान पहुंचा। तब बुद्ध ने ये कहा था कि जब भिक्खुओं की सभा होगी तो कोई भी ऐसा खाना ना खाए जिससे कि दूसरे को परेशानी हो, तो उसमें लहसुन खाना प्रतिबंधित कर दिया था, मगर भिक्खु सभा के बाहर नहीं। मेडिटेशन में जैसे मतलब तामते ये बोलते हैं ना, भी एक आनंद मार्ग में ज्वाइन किया था, उसमें मेडिटेशन में भी मेडिटेशन करते, योग अभ्यास जैसे उपासना करते हैं तो उसमें बाधक बनते हैं, तामसिक कैटेगरी में जैसे माले डालते हैं तो ऐसा तामसी कैटेगरी में तो गर्म पानी भी आता है। अगर आप गर्म पानी पी के और साधन विपस्ना में बैठेंगे तो आपके शरीर में से गर्मी निकलेगी, और अगर आप विपस्ना में ना भी बैठेंगे और कहीं से बाहर से चल के आए और गर्म दूध पी लेंगे तो आपको तुरंत पसीना आ जाएगा। गर्म पानी पी लेंगे तो भी, क्योंकि जो आपने 60 डिग्री टेम्परेचर का पानी पिया है और वो आपने 1/2 लीटर पानी 60 डिग्री का पी लिया है और शरीर की तो क्षमता 30 डिग्री की है अंदर बॉडी की, तो एक्स्ट्रा 30 डिग्री को तो ब्लड बाहर निकालेगा ना, तो वो गर्मी बाहर निकालेगा तो वो तो गर्मी लगेगी आपको, तो तामसी हो गया वो। और अगर आप ठंडा पानी पियेंगे तो वो ठंडा पानी आपको ठंडक देगा, और ज्यादा ठंडा पियेंगे तो वो जमा देगा, बीमार भी कर देगा, क्योंकि वो शरीर की गर्मी खींच लेगा सारा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर। जो साथी आज नए जुड़े हैं वो अपने अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं या कोई बात रखना चाहते हैं तो आप प्लीज आए एड्रेस करें या अपनी बात कहें। सुधीर जी एक सवाल मैं कर सकता हूँ? सब नहीं कर सकते आप। एक मिनट, मैं एक सवाल करना चाहता हूं जो मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि भाई जो सुनीत भंगी का जिक्र आता है बुद्ध के लिटरेचर में, फिर आजकल उसको सुनीत को हमारी वाल्मीकि जाति के लोग वाल्मीकि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रबंध होना चाहिए, कैसे इसको हम समझे? ये जो हमारे जो अधकचरे ज्ञानी है ना, जो सिर्फ लकीर के फकीर हैं और जो नहीं देखते कि उसमें लिखा क्या है, उन्होंने सुनीत भंगी और उपाली नाई ये दो पकड़ रखे हैं और ये देखते नहीं कि इसका क्या मतलब है क्या नहीं है। पहली बात तो ये है कि पुराने समय में कोई सफाई का पेशा ही नहीं था जी,
ना सड़क थी और ना ही कोई ऐसे पक्के मकान या महल थे, ना ही कोई ऐसे दफ्तर थे, झोंपड़ियां होती थी, जंगल होते थे, बारिश में लोग अपने घर में पड़े रहते थे, रास्ते होते थे, पगडंडी होते थे। और बुद्ध ने अपने यहाँ जितने भी लैट्रिन करने के, बाथरूम करने के सारे नियम विनय पीठ में बनाए, वो सारे काम लोग अपने खुद करते थे। तो जब सफाई का काम नहीं, तो सफाई के लोग नहीं, तो वहां जाति तो थी नहीं। जाति का मतलब जन्म होता था, उत्पत्ति, उत्पत्ति को जाति बोलते हैं। तो वो जो कास्ट सिस्टम है, जिसको कास्ट सिस्टम बोलते हैं, वो उस समय था ही नहीं। तो जब था ही नहीं, तो जो भंगी शब्द है सुनित के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो दरअसल बुद्ध जो सिखाते हैं उसमें सातवें दिन ना बॉडी पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती है, उसको भंग अवस्था बोलते हैं पाली के अंदर। तो जो लोग उस अध्ययन को वहां तक पहुंच जाते हैं विपश्यना साधना में, उनको कहते हैं ये भंग ज्ञानी हो गए, इनका शरीर भंग हो गया। वो भंग ज्ञानी की अवस्था मैंने भी प्राप्त की है, उसमें ना बॉडी वेटलेस हो जाती है, यानी कि आप बैठे हुए हैं तो बॉडी का वेट नहीं रहता, पूरा गायब हो जाता है। कहते हैं भंग हो गया, डिजोल्व हो गया। ये बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होती है, आपको भी हो सकती है। आपके यूके में भी विपश्यना सेंटर है, आप चाहे तो वहां से कर सकते हैं। तो वो जो सातवें दिन भंग अवस्था आती है, जो लोग उसको प्राप्त कर लेते थे वो भंग ज्ञानी हो जाते हैं, और जो महिला प्राप्त करती हैं वो भंगन हो जाती हैं। यानी कि उसमें जेंट्स मेल में और फीमेल में नाम का अंतर है, भंगी और भंगन। तो सुनित जो था, सुनित ने भंग ज्ञान प्राप्त किया, और सबसे पहला जो भंगी है वो बुद्ध को बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला ज्ञान तो भंग होने का बुद्ध के पास आया। तो बुद्ध जो है वो महाज्ञानी, महाभंगी उनको बोल सकते हैं। अच्छा, उपाली जो नाई है, वो कहते हैं उपाली, नाई का मतलब समझते हैं कि बाल काटने वाला, बार-बार हो गया। तो बेसिकली जो उपाली नाई है, ये एक शब्द है, क्योंकि बाल काटने वाले को पाली के अंदर बोलते हैं केस कप्पक, यानी केस माने बाल हो गए। कहते हैं ना, तेरे केस बड़े अच्छे हैं, तेरे केस बड़े सुंदर हैं। तो केस पाली का शब्द है, केस माने बाल हो गए, और कप्पक जो कप्पन है, कप्पन माने काटना होता है, और कप्पक हो गया जो काटता है उसको। तो यानी केस कप्पक जो है वो पुराना एक प्रोसीजर है, जब लोग अपने बाल काटा करते थे, चाहे वो भिक्खु बनते समय, या जो छोटा बच्चा जब भिक्खु बनता था या सामनेर बनता था उसके लिए, तो केस कप्पक बोला करते थे। तो यहाँ जो उपाली नाई है, ये आपका नाई है, और नाई जो शब्द है वो भारत का नहीं है। नाई दरअसल ये उपाली नाई एक करेक्टर का नाम है वहां पर, जैसे बुद्ध का नाम था शुद्धोदन, या उनके पिता का नाम शुद्धोदन, बुद्ध का नाम सिद्धार्थ, ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम उपाली नाई है। ये इसलिए भी प्रूव होता है कि किसी व्यक्ति ने बेशक बुद्ध ना पढ़ा हो, ना त्रिपिटक देखा हो, ना समझा हो, तो इतना तो सोच सकता है कि भाई जब सुनित भंगी की कास्ट का नाम बताते हैं, उपाली नाई का बताते हैं, तो भैया वहां मोहन चमार कहाँ है, वहां रामलाल धोबी कहाँ है, वहां भूसा पासी कहाँ है, वहां पे जो खटीक है वो कहाँ है, वहां महार कहाँ है। भाई 6,743 जातियों का तो जिक्र होना चाहिए, उनमें सब सबका करेक्टर होना चाहिए। 50,000 भिक्खु थे, तो 50,000 भिक्खु और जो उनके उपासक संघ थे, उसमें कहीं कोई जाति वाला नाम मिलता ही नहीं इन दो नाम के अलावा। तो ये जो जो लोग जाति को जिंदा रखना चाहते हैं, और जिनकी अकल पूरी क्या बोलते चूल्हे में दबी पड़ी है, जो हमारे साहित्यकार हैं, और जो सोचने समझने का काम नहीं करते ना, वो ये देखते हैं कि उस समय, क्योंकि जब आप बुद्ध का साहित्य लिखोगे तो आपको बुद्ध के, आपको अपना इमेजिन करना पड़ेगा कि अब आप बुद्ध के साथ बैठे हुए हो और चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वहां कास्ट सिस्टम है ही नहीं। इसलिए सुनित भंगी जो है, भंगी शब्द को कायम करने के लिए, स्वीपर को कायम करने के लिए, और ये प्रूव करने के लिए कि उस समय भंगी थे, भाई एक ही भंगी मिला भाई, उसकी ना कोई बीबी है, ना उसके बच्चे हैं, ना कुछ है, कोई भंगन शब्द नहीं मिलता वहां पे। तो इसको आप समझें कि वहां लाल बेगी जो है, वो हमारा लाल बेगी उसको बोलते थे, जो बेगमी लाल कपड़े पहन गए, जिसको भिक्खु बोला करते थे, उसको लाल बेगी बोलते हैं। जो थेर है उसको ढेर बोलते हैं, जो थेरा है उसको ढेरा बोलते हैं, जो महाथेरी है उसको महतरानी बोलते हैं, जो महाथेर है उसको महतर बोलते हैं। ये सारे नाम हमारे भिक्खुओं के, उपाधियों के हैं, जो बड़े ज्ञानी हुआ करते थे, उनको तोड़ मरोड़ के और वहीं तक रखने की पूरी तरह से सिस्टम और साजिश है, और इसमें हमारे मूर्ख लोग भी इसमें साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। सोनू सोनू का भी सवाल है, बोलिए सोनू सोनू जी। मेरा आंसर मिल गया भाई सर। चलिए ठीक है भाई। सुधीर सर, ये जाति से रिलेटेड जो है, जो धम्मचक्क प्रवर्तन सूत्र में तथागत ने कहा है कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणं भी दुखं, तो ये जाति है, जन्म से रिलेट की गई है। जाति पाली में जहां भी जात या जाति शब्द आया है, वो उत्पन्न को बोलते हैं। कोई चीज उत्पन्न होगी वो जाति हो गई या जात हो गई,
तो ये जो गाली बनती है तेरी जात का मारूं, या ये तो जाति से खराब है, यानी उत्पत्ति खराब है इसकी, तो ऐसा बोला जाता है। जाति जो शब्द है उत्पन्न है, और जब भी कोई चीज उत्पन्न हुई है पाली के अंदर उसको जाति बोला गया या जात बोला गया है, और उत्पन्न होना बहुत सारी है, यानी कि अगर किसी को मान लो कोई बीमारी उत्पन्न हो गई तो वो उत्पन्न में जाति शब्द इस्तेमाल होगा, वहां जात इस्तेमाल होगा। अच्छा सुनील सिंह जी अमरोहा पे। हाँ मैं थोड़ा जानना चाहूंगा सर। जी जी पी सिंह जी कह रहे हैं। ये तो पूरा का पूरा ये मतलब इतिहास इन्होंने अच्छा बताया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन ये मेरा ढोना ये कौम कहाँ से इसको मिला ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। देखिए जब भी कोई सेना हारती है उसको बंदी बनाया जाता है, और जो इंटरनेशनल नियम है वो ये कहते हैं कि सेना को बंदी बनाया जा सकता, मारा नहीं जा सकता अगर डिक्लेयर होगी तो। तो ये पुराने समय में संधि होती थी कि सेना नहीं मारी जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की सेना पकड़ते थे, तो सेनाएं जब पकड़ी जाती हैं दूसरी जो दुश्मन की होती है तो उनसे सारे गंदे काम करवाए जाते हैं, और अगर उनको कैद में ना रखा जाए छोड़ा जाए तो उनको गंदे काम करा के मनोबल तोड़ा जाता है। जो आदमी सड़क पे झाड़ू लगाएगा वो लड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको हर एक आदमी पुतड़ा करके बात करता है, और कितना ही बुजुर्ग हो और कितना ही लंबा छोड़ा हो अगर उसके हाथ में झाड़ू है या उसके हाथ में कटोरा है, वो भिखारी है या वो जिक्से वाला है, तो हर आदमी उसको तूतड़ा करके बोलेगा। और कोई आदमी कितना ही गरीब है कितना ही बेकार है फर्नीचर है, अगर वो एक बड़ी कार में आएगा और कार में बैठेगा तो उसको ये माना जाता है कि ये बड़ा आदमी है, उसको आप कह के बोला जाता है। तो जितने भी लड़ाके हारे हैं दुनिया में आज तक, उनको गंदे काम करा के उनका मॉरल डाउन करने के लिए, उनका मानसिक पतन करने के लिए, उनको मानसिक गुलाम बनाने के लिए, अगर उनको जिंदा रखना है तो उनसे गंदे काम कराए जाते हैं, उनको टट्टी पेशाब खिलाए जाते हैं, उनके बच्चों को गुलाम बनाया जाता है, उनकी औरतों के साथ बलात्कार होता है, उनकी लड़कियों को बेचा जाता है। ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री है। इसलिए जिन लोगों के साथ में ये होता है इसका मतलब वो पुराने समय के लड़ाके रहे हैं, बड़े जबरदस्त योद्धा रहे हैं, वो युद्ध हार गए हैं इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। आप भी जब युद्ध जीतोगे तो जो लोग युद्ध हारेंगे तो उनको आप राज सिंहासन नहीं दोगे, क्योंकि राज सिंहासन तो आपको चाहिए, यही तो झगड़ा है। आप जो इकट्ठे हो रहे हो जब राज सिंहासन ले लोगे तो राज सिंहासन तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा, तो जिसको राज सिंहासन नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, तो जो काम आप करते हो वो करेगा। फिर शानदार सुधीर जी भाई साहब, मेहल साहब ने पूछ लिया, आपने भंगी शब्द के बारे में सब चीजें बता दी कि भंगी शब्द तो बुद्ध के समय से आया, लेकिन जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो थोड़ा सा बता दीजिए कि ये वाल्मीकि शब्द कब से साथ में जुड़ गया, जिसको लोग आज इतना मानते हैं और अपने इसके विरोध कुछ भी एक शब्द सुनना नहीं चाहते हैं लोग। इसका तो बहल साहब बताएंगे, इसका तो मुझे भी नहीं पता, बहल साहब बताइए, तो लेटेस्ट है ना, नया है बिल्कुल, बहल साहब बता सकते हैं, वो जानते हैं। मुझे लग रहा है सुधीर जी इस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। नहीं मैं भाग ही रहा, मैं भाग ही रहा, दरअसल मैं इसलिए नहीं बताता कि इसके बताते झगड़ा हो जाता है। तो ये आप चाहते हैं कि ये झगड़ा मेरे गले में आ जाए? ना ना, आपसे तो कोई झगड़ा नहीं करेगा, किसी की हिम्मत नहीं, आप बोलोगे तो लोग घर के भाग जाएंगे, मैं बोलूंगा तो सुबह को मेरे घर के बाहर आ जाएंगे। मुझे जहां तक सुधीर जी इस चीज की समझ है वो कि जब बाबा साहब अम्बेडकर वीडियो ऑन कर लीजिए सर, अब ठीक है सर। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय एवरीबॉडी, जय भीम नमो बुद्धाय टू एवरीबॉडी। जब जय भीम नमो बुद्धाय सर, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई जब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी लिबरेशन का स्ट्रगल चालू करते हैं, और फिर काफी देर काम करने के बाद, मैं 150 और इसमें नहीं जाता, मैं उस क्वेश्चन पे आपके आना चाहूंगा कि जब वो इसका रिव्यू करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं कि जो कुछ भी आज तक मैंने अपने लोगों के बीच में प्रचार किया और समझाया इनको, मूक नायक लिख के पढ़ाया इनको, तो मैं देखूं कि कितना इनमें चेंज कितनी आई है, क्या डेवलपमेंट हुई है। तो बाबा साहब ने जो महातलाव था उसका सत्याग्रह किया 1927 में, उसी में ही जब बाबा साहब अम्बेडकर को उसमें ब्राह्मणों ने स्टे ले ली उसके ऊपर कि भाई जब तुम पानी पीने के लिए जाओगे तो उस पर स्टे ले ली कि कहीं को पानी नहीं पीने दिया जाए, तो बाबा साहब ने अपने लोगों को रोक लिया और कहा कि भाई हमारा झगड़ा जो है वो अंग्रेजों के साथ नहीं है, हमारा झगड़ा जहाँ की व्यवस्था के साथ है, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो बहुत से लोग
इस पे निराश भी हुए कि भाई हम इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और आप कहते हैं कि हमें आगे जाना नहीं पानी पीने के लिए, तो उसका फिर पिटीशन बाबा साहब डालते हैं और सेकंड में उनको फिर सत्याग्रह करने का मौका मिलता है। तो लगता हमें यह है कि भाई जब बाबा साहब अम्बेडकर के अगेंस्ट ब्राह्मणों ने मनुस्मृति का तर्क देकर उनको उनके ऊपर स्टे ली, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सत्याग्रह अपने पानी के लिए था उसको छोड़कर मनुस्मृति को जलाने का सत्याग्रह कर दिया, क्योंकि के इसी मनुस्मृति ने आज मेरे साथ जितनी बार भी धक्का किया इसी ने किया, इसलिए मैं इसको आग लगाता हूं। अब ये जो बाबा साहब की स्ट्रगल है उसको अगर हम समझते हैं तो वो सिर्फ ब्राह्मण को या उस व्यवस्था को जो ब्राह्मणों ने सेट की हुई थी जिसमें मैं अशुद्ध था, मुझे टच भी नहीं किया जा सकता था, मुझे देखना भी कोई चाहता नहीं था, ये सारी जो व्यवस्था थी ये तो आपको सबको पता ही है, तो उसको इससे हम लिबरेट ना हो पाए। इससे सबसे पहले जो ज्यादा जैसे अभी सुधीर जी ने कहा कि जो सबसे ज्यादा लड़ाकू लोग थे उनको सबसे पहले जो वाल्मीकि का जो शब्द है उसके साथ बांधा गया, उसके साथ नत्थी किया गया, जो 1928 के करीब में हुआ। और हिंदू महासभा का एक अमीचंद नाम का एक ब्राह्मण था जिसको इसके इस काम के लिए उतारा गया और उसको बहुत सा लिटरेचर समझाया गया कि इसको कैसे स्टेबलिश करना है। वो लाहौर में जाता है, लाहौर में एक भंगियों ने अपने हक अधिकार के लिए एक जनसभा बुला रखी थी, वो उसमें घुसता है और उसमें घुसता है और शोर मचाता है और वो पकड़ा जाता है, तो उसको जेल हो जाती थी। जेल से जब वो छूट के आता तो वो हमारे लोगों के बीच में हीरो बन जाता है, भंगियों के बीच में, भंगियों को, अब भंगियों को कहो जा मतलब सफाई कर्मचारियों के बीच में वो हीरो बन जाता है। तो वो वहां फिर उनके बस्तियों में मोहल्लों में जाने जा जाकर उनको समझाता है कि भाई तुम किसकी औलाद हो, तुम्हारे गुरु कौन है, वाल्मीकि से आपका क्या संबंध है। तो फिर पंजाब के एक हमारे हैं एक राइटर थे मेरा ख्याल हमारी जाति के, उनका नाम था बख्शी, पंडित बख्शी, पंडित मुझे पता नहीं कैसे, क्योंकि पढ़ने का अधिकार तो हमारे लोगों को था नहीं तो पंडित कैसे बन गए। तो उनके हाथ से उन्होंने एक वाल्मीकि प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखवाया जिसमें सारी व्यवस्था जो है ना सेटल करी, और उससे धीरे 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 हमारे अंदर वाल्मीकि को एस्टेब्लिश किया। और हमारे लोगों के पास कोई सदियों से पहचान नहीं थी, कुछ मान सम्मान नहीं था, तो उनको ऐसे झगड़ा मार लिया बिना समझे हुए कि भाई क्योंकि हम ब्राह्मण की चाल को तो समझ नहीं पा रहे। आज तक मैं समझता हूं कि जो चमार जाति के लोग हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं हमारे से भी, लेकिन वो भी नहीं समझ पा रहे कि एक रविदास से बांध कर जे हमें जाति बाकी सारी हमारे समाज से क्यों अलग करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे लोग भी नहीं समझ पा रहे कि भाई वाल्मीकि के साथ बांध कर, मैं ये नहीं कहता कि वाल्मीकि जी मतलब कोई बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं थे होंगे, लेकिन मैं इस बात को इस तरीके से देखता हूं कि मेरे जीवन पे या मेरे माँ बाप के जीवन पे या दादा परदादा के जीवन पे वाल्मीकि जी का क्या इम्पैक्ट हुआ, जिससे उनके जीवन में क्या सुधार हुआ कि मैं वाल्मीकि जी के साथ जुड़ जाऊं कि भाई मेरे पुरखों के लिए, मेरी जाति के लिए, मेरे लोगों के लिए उसने ये काम किया। तो मुझे तो इतिहास में कोई ऐसा चीज नजर नहीं आती इसलिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको कहता हूं कि भाई अगर आपको जो कुछ भी मिला है, आज तक जो कुछ भी मिला है वो केवल एंड केवल एंड केवल बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिला है। और जितना बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ोगे, बाबा साहब अम्बेडकर के नजदीक आ जाओगे, उतना ही आपके अंदर सुधार हो जाएगा। अदरवाइज जितना वाल्मीकि की जी को ज्यादा पकड़ के रखोगे उतना ही गटर में ज्यादा घुस के मरते रहोगे। अगर चेंज लानी है तो विद्या लाएगी, चेंज लानी है तो अच्छी नौकरियां लाएंगी, और अच्छी नौकरियां मिलेंगी इसीलिए जब आप अच्छी विद्या लोगे।
तो उसमें वाल्मीकि का कोई योगदान नहीं है, बाबा साहब ने आपके लिए रास्ता खोला हुआ है, तुम स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, अरे देश में भी जाओ, विदेश में भी जाओ, कौन रोक रहा है आज? लेकिन तुम वाल्मीकि जी को पकड़कर कहो कि वाल्मीकि जी आपको उठाकर ऊपर ले जाएगा, मुझे लगता है ऐसा होने वाला नहीं है। हमें ब्राह्मण की चाल को समझना चाहिए। फिर आप एक और चीज देखिए कि जब 1932 में सभी लोगों को अधिकार मिले, तो अधिकार तो सारे शेड्यूल्ड कास्ट को मिले थे, तो अकेले बाबा अपने बाबा साहब के ऊपर अटैक करने के लिए अकेले गंगी कॉलोनी में जाकर ही दिल्ली में गांधी जी ने डेरा डाला, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि ये ऐसी एक मार्शल कॉम है जिसको अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जगा दिया, जहां समझा दिया और इनका इतिहास बता दिया, तो ये सबसे ज्यादा पहले हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा ना हो, वो वाल्मीकि जी से बंधे रहे, आज तक भी वो उसी के गुण गा रहे हैं, उसी पहले वो भंगी कॉलोनी थी, अब वो वाल्मीकि कॉलोनी बन गई है, वाल्मीकि वहां मंदिर बना दिया गया है। तो ये जो सारी चाले हैं, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये हमारे जो स्वर्ण जाति हैं जिनको आप कहती हैं, उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे प्रति, और इस षड्यंत्र को जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे, मैं समझता हूँ हम आजाद हो जाएंगे। और मुझे पता है मैं बहुत गालियां खाता हूँ, मैं बहुत, मुझे लोग बुरा भला कहते हैं जब मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं, मेरा कोई वाल्मीकि से संबंध नहीं है। तो आज भी मैं कहता हूँ, मैं आज तक कहता आया हूँ कि मेरा, मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन पे वाल्मीकि जी का कोई भी इम्पैक्ट है, अगर है तो बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, इन लोगों का है, इसीलिए मैं इनको मानता हूँ। और इन लोगों के प्रयास से मैं भगवान बुद्ध से जुड़ा हूँ। भगवान बुद्ध का जो बाबा साहब ने मुझे समझाया कि ये तेरी तेरी हेरिटेज है, तेरी आइडेंटिटी है, तेरा धर्म है, तो मैं उसके साथ जुड़ गया हूँ। तो अब किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मैं तो अब बुद्धिस्ट ही रहने वाला हूँ। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ इसके बारे में। बाकी जो कोई मेरे, मैं विदेश में रहता हूँ, मैं इतना ज्यादा इस जाति के बीच में ज्यादा घूमता फिरता नहीं हूँ। जो कोई कमी रह गई होगी, मैं सोचता हूँ सुधीर जी इसको पूरा कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, मैं सुरजीत सिंह अमरोहा से। सर, सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ सर, मेरा सुधीराज सर से एक सवाल था। ये जो हम लोगों में क्या, मैं अधिकतर लोगों में देखता हूँ कि ये जो मुंडन की जो प्रथा है, इसका हमारे से क्या कनेक्शन है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। सुनो भैया जी, जिस भी भाषा में जहां पर भी सर मुंडाने का जो भी नाम है, अब सुनो ध्यान से सुनना, मुंडा, मुंडे, मुंडन, मुड़ई, मड़ैया, मड़ा, ये जितने भी शब्द बने हुए हैं, ये सारे शब्द जब हमारे बच्चे भिक्खू बनने जाते थे, सामनेर बनने जाते थे, और जिस समय वो सर गंजे होते थे, क्योंकि बुद्ध को कहते थे कि ये मुंडा आ गया है, मुंडा करके बोला करते थे और मुंडा करके गाली भी बकते थे, तो ये वही मुंडा है और यही मुंडा से गुंडा बना है। यानी कि जितने हमारे मुंडा लोग थे, उन्हीं को गाली बकते थे। और जितने भी आप इसमें ट्राइब्स में देखोगे, जितने भी मुंडे लोग हैं या जो मुंडा है, और महाराष्ट्र के अंदर तो एक मुंडा शायद मुख्यमंत्री भी रहा था, रमेश जी क्या था मुंडा नाम, था मुंडे था, गोपीनाथ मुंडे, 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 गोपीनाथ मुंडे। हाँ, मुंडे और मुंडा जितने भी हैं, ये सब पुराने क्या बोलते हैं, पाली के, बुद्ध के समय के, जो सर मुंडा के दीक्षा लेते थे, धम्म में आते थे, वो लोग हैं सारे। जी जी, सर जी, मैं जो वाल्मीकि शब्द आया था उसमें सर कक्षा 6 से 8 तक की किताब चलती है यूपी बोर्ड की, स्टेट गवर्नमेंट यूपी बोर्ड की, उसका नाम है महान व्यक्तित्व। उसमें भी जो अभी पिछले वक्ता ने बताया हम लोगों को कि जो ब्राह्मण थे उनको वो बाद में वो ऋषि का नाम दिया गया, और उसमें दिखाया गया है कि वो इतनी तपस्या में लीन हो गए थे कि उनके शरीर पे दीमक जो होता है वो रास्ता बना लिया था, और उसे बाम्बी कहते हैं, बाम्बी, BAMBI, बाम्बी, और जिसको हम जो है हिंदी भाषा में ला करके वाल्मीकि कहा। तो जो ये भंगी समाज के लोग, हमारे सफाई कर्मचारी लोग रहे, उससे रिलेटेड अपने को वाल्मीकि लगाने लगे।
बैल साहब कुछ कहेंगे? आप, आपको, आपके लिए सवाल है, आप करिए, मैं भी कह दूं। मैं तो इसमें, मैं तो असल क्या है बहल साहब, मैं सही आपको बात बताऊं कि अगर मैं, जब मैंने भंगी वाला वीडियो बनाया था, क्योंकि वो तो बुद्ध के ऊपर था, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की, क्योंकि मैंने सारा बुद्ध के ऊपर बनाया और मैंने बुद्ध को भंग ज्ञानी और ये सब बताया और शब्दों के अर्थ बताए। मगर वाल्मीकि का तो नाम छेड़ दी ना, आप समझ लो मेरे घर के आगे भीड़ है दिल्ली में, और सोनू बहन भी राय बचाने के लिए आप तो मैं बोल सकता हूं। वो मान्यवर उनके पीछे इतने लोग लगा रखे हैं कि अगर कोई जरा सा भी कुछ बोलेगा, मतलब इवन अगर वो बहुत जी भी अगर वाल्मीकि के बारे में कुछ बताते हैं तो उनके भी दुश्मन हो जाते हैं, वीर सिंह बहुत के भी। मान्यवर, हाँ, दिल्ली पहुंचना आसान है, यूके में बड़ा मुश्किल है। मान्यवर मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोलिए बोलिए। देखिए सुधीर जी, मैं इसलिए नहीं वाल्मीकि जी के श्रद्धा में जा उसके मतलब प्रति कोई अच्छे शब्द बोल रहा या कोई बुरे शब्द बोल रहा है, इसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिंपल एंड सिंपल एक ही चीज देखता हूँ कि किसी भी महापुरुष को जब मैं सर झुकाता हूँ या उसको मानता हूँ या उसकी विचारधारा को अडॉप्ट करता हूँ, तो ये देखता हूँ कि उसका मेरे जीवन पे और मेरे आने वाले बच्चों के जीवन पे क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या उससे मुझे मेरे सुधार हुआ। और सेकंडली मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरे जीवन में सुधार हुआ तो मेरे जो पुरखे थे या मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, मेरे दादा, लखड़ दादा, परदादा, उनके जीवन पे क्यों नहीं उसका प्रभाव हुआ जा, उसका असर हुआ जा, उसका इम्पैक्ट हुआ। अगर नहीं हुआ तो मुझे एक ही उसके बीच में अंतर नजर आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में मुझे वो सारे अधिकार दिए जो मेरे आगे बढ़ने के लिए सारे रास्ते खोल दिए। ऐसा मुझे कोई भी रास्ता सारे मतलब वाल्मीकि जी के रामायण में, लिटरेचर में जो कुछ भी आज उनको लिख के दिया जा रहा है ना, उसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं मेरे लिए दिखाई देता जो मैं उनके सामने नतमस्तक हो जाऊं या उनकी मानता करूं या उनके पीछे लग जाऊं, ऐसा मुझे नहीं नजर आता। इसलिए मैं नहीं करता। मैं इंग्लैंड में हूं इसलिए नहीं, मैं अगर देश में भी होता तो भी मैं इसी विचारधारा का रहता। मान्यवर दो मिनट दोगे क्या? जी बोलिए। एक मिनट सत्यपाल जी, दो मिनट पहले दूंगा वो सुरजीत जी। देखिए जिसका मुंडन होता है ना, जिसका मुंडन होता है वो मुंडे लोग हैं, और हमारा जो बिरसा मुंडा है वो भी हमारा बुद्धिस्ट है, उसका नाम भी बिरसा मुंडा इसलिए पड़ा। मैं थोड़ा जी पूरा कर दिया। जी बोलिए सत्यपाल जी। मान्यवर मैं अभी एक थोड़ी सी बता रहा हूँ अपनी एक बताई हुई बात वाल्मीकि जी के ऊपर। देवीलाल जी हुआ करते थे दिल्ली के, कभी वो कांग्रेस के वो थे, सदस्य थे। 1930 में उन्होंने सभा बुलाई दिल्ली के अंदर, नहीं संतों मेरा इसने खातिर नहीं होगा अगर सन में गलत बोल रहा हूँ तो वो सॉरी, लेकिन उसमें उस सभा में मेरे दादाजी गए थे तांगा लेकर के दिल्ली में, और उन्होंने ये कहा था देवीलाल जी ने, सर नथुसन जी ने और बाबा साहब भी, तीनों मीटिंग में थे उस सभा में। उन्होंने ये कहा था कि हमको जो अछूत क्यों मानते हैं, हमसे घृणा क्यों करते हैं समाज ये लोग, दूसरे लोग, तो भाई एक काम करो कि एक तो जो है मरे हुए पशु का मांस खाना छोड़ दो, चाहे जिंदा कोसे भी खाओ। और जो अभी सफाई कर्मचारी जो है, मैं भंगी नहीं बोल सकता क्योंकि पीछे बहुत ऐसा जो हुआ था मेरी बात पर, सफाई कर्मचारी ये बोला कि आप ये गंदा मैला ठाना बंद कर दो, और जो भी अपने अपने जिनको घृणा मानते हैं अपने अपने कार्य छोड़ करके अच्छे अच्छे काम में लग जाओ, और कुछ भी हो सकता तो अपने बच्चों को पढ़ाओ जा करके, चाहे तुम्हें गाँव गाँव जाना पड़े पढ़ाने के ऊपर शिक्षा जोड़ दो, अगर तुम पढ़े लिखोगे, चाहे तुम्हें घर के उस स्कूल के बाहर ही बैठना पड़े, चप्पलों में बैठना पड़े, आप पढ़ो बस। तो उस समय मेरे दादाजी ने एक फिर वहां से तांगा बैल तांगा लेकर आए थे, गांव में पहुंचे तो उन्होंने गांव गांव में जाकर प्रचार किया उस समय, तो उस भाषा का भाषण सुन करके अमितचंद शर्मा जी ने सोचा ये कि भाई अगर चमार चमार चाहे चल जाएगा बात, धोबी कपड़ा धोए चल जाएगी बात, अगर सफाई कर्मचारियों ने हमारी गंदा मैला ठहराना बंद कर दिया, हमारी बहू बेटी बहन बेटी बाहर जाएंगे लैटिंग करने के लिए, उस समय को राज था, तो इनका बुरा हाल हो जाएगा, जिसको अंग्रेज चाहेंगे उसको उठा लेंगे। तो उन्होंने क्या काम किया, अमेजन शर्मा जी ने बोला इनको थोप दो धर्म वाल्मीकि के नाम पर, वाल्मीकि जब थोपा गया कि भाई आप तो उनके वंशज हो, वाल्मीकि रामायण लिखी है, आप इनसे क्यों अलग हो रहे हो,
तो उस ऐसा मेरी दादी ने बताया, मेरे दादाजी ने 15 साल उनको एक्सपायर हुए, वो 90 साल होकर मरे थे। सत्यपाल जी, दो बातें बड़ी अजीब सी हो गई जो सत्यपाल जी ने बोली है जी। एक तो अमित चंद शर्मा जी बोल रहे हैं वो, मतलब आपने भैया आपने अमित चंद शर्मा जी बोला, मतलब अच्छा, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आपको कि हमारा आदमी मानसिक गुलाम से इस कदर है कि वो उसका कट्टर दुश्मन होते हुए भी अपनी भाषा में उसको जी लगाता है, ये गुलामी अंदर तक है तो उसको निकालने की जरूरत है। ठीक है, उसका नाम अमिया कर सकते हैं, अम्मू कर सकते हैं, कुछ और अच्छा सा नाम रख देते, अम्मू टम्मू रख देते, खैर कोई बात नहीं। दूसरा, जो इसमें एक वर्णन आपने किया है अछूत शब्द का, तो मैं यहां सबको बता दूं ये बड़े कमाल का शब्द है अछूत। भैल साहब, आप और मैं और यहाँ जितने लोग हैं हम सारे बहुत अच्छे अछूत हैं, क्योंकि अछूत जो इस्तेमाल होता है बुद्ध के लिए होता है, और बुद्ध के लिए इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि पाली के अंदर जो ओरिजिनल शब्द है वो है अछुट्टे, अछुट्टे यानी अछुट्टे का मतलब वो है जो जो उसको छुआ ना जा सके, जो इतना ऊपर है यानी जिसको टच नहीं कर सकते। तो बुद्ध जो थे वो इतने ऊपर थे कि उनको कोई टच नहीं कर सकता था, किसी की हिम्मत नहीं जो उनको ज्ञान के बराबर उनको छू भी ले, और उनके जो शिष्य थे वो सारे सारे अछुत्ते थे यानी अछूत थे यानी अनटचेबल थे, उनको ज्ञान में कोई हरा नहीं सकता। जैसे आप मुझे जाएं और बात करें तो मैं ये मानता हूं कि बाबा साहब बुद्ध की कृपा से मैं उनके लिए अछूत हूं, वो मुझे टच नहीं कर सकते ज्ञान में, क्योंकि मैं प्योर हूं इस समय बिल्कुल। तो हम सारे लोग ही अछूत थे, और अछूत शब्द इसलिए हमारे लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वो हमको छू नहीं सकते थे। अब बाद में क्या हुआ कि हम भूल गए कि अछूत का मतलब क्या है, अपना ज्ञान भूल गए, तो वो अछूत खाल का छूने वाला बन गया। ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था कि अछूत का मतलब कितना ऊंचा है। थैंक यू। देश तनवर जी, थोड़ा सा जी भी नहीं, देश तनवर जी हैं क्या, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा जी, बताएं। हाँ बोलो सुदेश जी, बोलो। दीप सिंह जी आपका आपका माइक हिल रहा है, पता नहीं क्या बात है, आपने हेडफोन लगा रखा है क्या? नहीं कुछ नहीं। एक मिनट सुदीप जी, सुदेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही सुदेश तनवर जी, बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार म्यूट करके अनम्यूट कीजिए। नहीं आ रही, नहीं आ रही, आप दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। डीपी सिंह बोल रहा हूँ। अब आ रही है, बोलिए। डीपी सिंह जी बोलो, आप बोलो। हाँ सुदेश जी ठीक कर रहे हैं अपना माइक। अच्छी जानकारी दी है, और बहन साहब ने भी वही जानकारी दी है जो बोलना चाहता था। उसमें जो मैं जानना चाह रहा था वो कुछ तो पीछे रह गया कि ये हमने की स्थिति कब आई और कहां से आई, ये इतिहास का शब्द है, और इतिहास के बारे में सुधीर जी बहुत ही बेटर बोलते हैं, इसके बारे में खैर मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मैं एक वो व्यक्ति हूं जो पूरी जिंदगी तो दफ्तरों में बैठ करके लोगों को कंट्रीब्यूट करता रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जाकर के समाज के बीच में देखा, तो यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि वहां पर ऐसे भी लोग हैं जैसे सीवी वर्मा जैसे लोग, जब मैं जौनपुर में गया था तो वहां देखा था कि जो उन्होंने एक अलग से आंदोलन चलाया था, झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, हमारे तो हमारी मुहिम बहुत ज्यादा। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, मेरा बहुत सारा जो तलखत रहा है कि जो लोग मैं सारे भारत में घूमा हूँ, तो जगह जगह पे बहुत बहुत अच्छी पोजीशनों में हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, लेकिन
अपने नाम के पीछे वाल्मीकि लिखने में बहुत गौरव महसूस करते हैं, तो मैं कई बार उनसे पूछता हूँ। इवन मुझे दो बार मौका मिला कि जिस दो बार ऐसी फंक्शनें थी जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आने वाले थे और मैं भी रुक कर मैं उनसे वार्तालाप करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए कि आपने बहुत बड़ा एक साहित्य लिखा है। लेकिन आपने ये सारा ज्ञान, जहाँ जो ये सारा अधिकार जो मिला है आपको, जो लिखने का, पढ़ने का और अपनी वेदना व्यस्त करने का, ये तो सारा बाबा साहब ने दिया। लेकिन जब आपको आपने मौका मिला तो आपने वाल्मीकि लगा के बाबा साहब के ऊपर क्रॉस लगा दिया, डिलीट कर दिया बाबा साहब को, तो ये क्यों किया? तो वो दो 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 बार मुझे मौका मिला लेकिन वो आए नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी का, उसके बच्चों के और उसकी बीवी की बहुत बड़ी जो सेक्रीफाइस है, जिसके बलबूते पे हमें ये सारे अधिकार मिले हैं, अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को रियलाइज करें तो वाल्मीकि की कुर्बानी तो जीरो है उसके। तो वाल्मीकि लिखते ही बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े डॉक्टर होते हुए भी आप एक छोटी सी घृणा के पात्र बन जाते हैं क्योंकि आपने वाल्मीकि जोड़ दिया। वाराणसी में एक मेरी सभा में एक बार एक वाल्मीकि लड़की आई थी, लड़की नहीं थी, औरत थी, और वो अपने नाम के पीछे वाल्मीकि लिखती थी। उसने मुझे अपने घर बुलाया और अपना उसने मुझे क्या कहते हैं बच्चों के लिए, उसने अपना एक हॉस्पिटल खोल रखा था और ट्रेनिंग भी देती थी और पढ़ाती भी थी। तो मैंने उससे, उसके घर में बैठकर उससे पूछा कि बहन जी मुझे ये बताओ कि ये आप तुम्हारी डिग्रियां लिखी हुई हैं, उसके पीछे आप वाल्मीकि लिखते हो, अगर तुम वाल्मीकि ना लिखो तो तुम नहीं समझते कि तुम सारी जातियों में एक बहुत बड़ी पॉपुलर हो जाओगी? वाल्मीकि लिखने से आधे लोग तो तुझे वैसे ही डिलीट कर देते हैं या डिमिनाइज कर देते हैं क्योंकि तुम वाल्मीकि जाति से हो। वो कहेंगे तुम तो शायद पढ़ के भी कम नंबरों से पास होके आई हो, तरह तरह की बातें कहेंगी, तो क्यों लिखती हो? तो उसने कहा कि भाई मैं ये समझती थी कि क्योंकि मतलब मैं इस जाति से हूं, मैं लिखूंगी तो इस जाति का भी गौरव होगा। मैंने, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा गौरव जो है वो भी कम हो जाएगा। तो इस बात को हमारे लोग समझते नहीं है। अगर ओम प्रकाश में, मैं मेरी मानता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कोई भी मुझे इस पे गलत कर सकता है, अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इतना बढ़िया लिटरेचर लिखकर बहुजन समाज में छोड़ देते तो बहुजन समाज के हीरो बन के रहते। लेकिन वाल्मीकि साथ लगाने से वो केवल वाल्मीकियों में ही छोटे से सीमा में, कुएं में बंद होके रह गए। ये मेरी, इसलिए मेरी ये वेदना है, जो मेरा दर्द है अंदर, कि मेरे लोग जिनको हर एक चीज बाबा साहब अम्बेडकर के स्ट्रगल से मिली, लेकिन वो जब आज थोड़ा सा भी उनमें उभार आता है तो जल्दी से वो वाल्मीकि जी के साथ जुड़ जाते हैं और सारा श्रेय वाल्मीकि को दे के बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर ज्योतिराव फूले उनके ऊपर डिलीट करते हैं। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को ऐसी सभाओं में आना चाहिए जहाँ हमारे इतिहास की, लिटरेचर की, धर्म की और हमारे प्रॉब्लम्स की भी बहुत सी जानकारी मिलती है। इस जानकारी को लेकर मुझे लगता है कि भाई वाल्मीकि जाति जो अपने आप को आज सबसे नीचे का वर्ग मान रही है, उसको उसमें भी बहुत बड़ा उभार आएगा। वो खास करके वी द पीपल में जुड़ जाएंगे तो पता ही नहीं लगेगा दो चार दस महीने में कि कौन भंगी है, कौन चमार है, कौन कहां से आया, कौन नहीं आया। वी विल जस्ट बिकम बी द पीपल एंड टुगेदर वी कैन डू एनीथिंग। हमने पास्ट में भी किया है, मैं आज भी आपको कहता हूं कि कम टुगेदर, वर्क टुगेदर, वॉक टुगेदर एंड मंजिल आपका इंतजार कर रही है। आप ब्राह्मण की ये जो षड्यंत्रकारी जाति बनाई हुई है, जहाँ
वर्ण बनाया हुआ है या छोटे छोटे लालच देकर आपको उसमें से बांधा हुआ है, ये सारे कुछ लालच का कुछ छूटने होंगे और बड़े एक सागर में प्रवेश हो जाओ आकर बी द पीपल में। और मैं समझता हूँ कुछ काम तो करके देखो, कुछ कदम तो चल के देखो और फिर देखो कि इसका नतीजा क्या निकलता है। धन्यवाद। धन्यवाद बैल साहब। सुदेश तनवर जी। सर सुदेश तनवर जी, ऐसा कि आज मेरे साथ एंकरिंग में हनी आजाद जी थे, उनका कुछ काम आ गया तो वो चले गए, आप थोड़ी देर एंकरिंग संभालेंगे प्लीज? जरूर 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 जी, आइए। ठीक है, ओके, ठीक है, शुक्रिया। सर बीच में कुछ लोग अपना माइक खोल देते हैं जिससे बड़ा डिस्टरबेंस होता है। अभी बैल साहब बोल रहे थे तो स्पार्किंग जैसी बहुत लंबे समय से आवाज आ रही थी। मेरा सभी से निवेदन है कि अपना माइक जब बंद रखा करें। वो जीपी सिंह का माइक कर रहा है गवर्नर। जीपी सिंह जी, आप अपना माइक मत खोलना, उनका बंद करना पड़ता है बार-बार। चलिए हाँ, करमवीर बौद्ध जी का हाथ रेज है, आप आए और अपनी बात करें। करमवीर बौद्ध जी। थैंक यू तनवर साहब। बैल साहब ने कुछ बातें बहुत ही ऐतिहासिक और सुधीर जी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि इतनी नॉलेज हमें दे दी, धन्यवाद। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा बैल साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। हमने 2006 में दीक्षा सम्मेलन किया सुधीर और हम सब ने रामलीला ग्राउंड में, तो मैंने दीक्षा प्रोग्राम जाने से पहले रामलीला ग्राउंड में कुछ 50-60 झाड़ू जड़वा दिए थे, उनको आग लगवा दी थी। इस बात के लिए आग लगवाई थी के भी हम आगे से झाड़ू का काम नहीं करेंगे, हम साफ सफाई का काम नहीं करेंगे। तो जैसे ही लोग चंडीगढ़ में आए मेरे पास, जो हमारे तथाकथित वाल्मीकि नेता थे, उन्होंने मेरे घर पर मेरे दफ्तर में आके अटैक किया और मुझे बहुत बुरी तरह धमकाया, जबकि वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। दूसरा जो भी मैं अनुरोध करूंगा, जो चमार जाति से, हालांकि वी द पीपल में किसी की जाति का नहीं पता और आपस में जो लोग इस मुहिम से जुड़ते गए, हमारे वी द पीपल के ऊपर भी इस बात का आरोप लगा कि एक विशेष जाति के लोग चला रहे हैं। हमें अभी तक आपस में ये नहीं पता ये किस जाति के लोग हैं, लेकिन मैं जरूर अनुरोध करूंगा, जैसे सुधीर जी ने मना कर दिया कि मैं इस बात पर नहीं बोलूंगा, उन्होंने अच्छा किया। बाकी भी जितने भी साथी मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो साथी मैं वाल्मीकि है वो उस बात पर बोल सकते हैं, अगर किसी ने दूसरे ने बोल दिया तो उसके ऊपर तुरंत हमारा एक समाज, बहुत बड़ा समाज टूट जाएगा। तो इसलिए जो बात हमने कही है कि हम विद द पीपल में जुड़ जाएंगे, सारे लोग जुड़ेंगे, जैसे दिल्ली में इंसिडेंट हुआ हमारी बच्ची के साथ, तो मैंने यहाँ वो हमारी सोनू बहन है, सोनू बहन को कहा हमने जाने से पहले कि सोनू वहां हमने बहुजन का या दलितों की बात करनी है, किसी एक जाति विशेष की बात मत होने देना। और सोनू बहन जी ने वो काम किया, लेकिन हमारे तथाकथित वाल्मीकि नेताओं ने वहां जाके इतना सीमित कर दिया उस काम को, जितनी भीड़ लग रही थी, जितने लोग आ रहे थे, जितनी मुहिम चल रही थी, वो सारी मुहिम हमारी कमजोर कर दी। वो बड़े बड़े कानों में पहन कर गया तथाकथित हमारे लीडरों ने, उस बेटी को जो बड़ा न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो इसलिए बैल साहब ये बात सही है, आप लोग जैसे बोलेंगे, आप जैसे ये बात करेंगे, जैसे आपने डॉक्टर का उदाहरण दिया, ये हम आद्य हो जाते हैं। मैं भी मिनिस्ट्री में काम करता हूं कि हम आद्य तो अपनी जाति से मर जाते हैं। तो इसलिए अगर हम बड़ी बात करें, अगर हम तो कहते हैं अगर किसी दलित बेटी के साथ या बहुजन की बेटी के साथ कोई अत्याचार होता है या किसी और के साथ अत्याचार होता है या राइट्स की बात होती है, अगर हम सारे कहें बुद्धिस्ट हैं, तो बुद्धिस्ट होते हम कितने देशों में बात हमारी जाती है, कितनी बड़ी ताकत हमारे साथ इकट्ठी होती है। तो इसलिए अच्छा प्रयास है बैल साहब, आप जैसे और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अम्बेडकर लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, वो इस बात का उल्लेख करेंगे तो अच्छा है। अगर हमने जो तथाकथित हमारे जो रविदासिया हैं, अगर उन्होंने वाल्मीकि के ऊपर एक शब्द भी बोल दिया साथियों, ये हमारा संगठन, ये सॉरी संघ जो है हमारा कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर एक दो महिलाओं ने या किसी और ने भी आरोप लगाया कि एक विशेष जाति का संघ है। लेकिन बैल साहब अभी तक एक दो आदमियों को आपस में छोड़कर किसी ने भी नहीं पता है कि वी द पीपल संघ में किसकी कौन सी जाति है, और इसलिए वी द पीपल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय भीम नमोबुद्ध। साधुवाद करमवीर जी। काफी देर से जय भगवान जाटव जी इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। जय भगवान जाटव, हैंड रेज ले लीजिए, वो है हैंड रेज ले लीजिए, लोग हैंड रेज कर रहे हैं। हैंड्रेज जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं अभी, प्रोफेसर जोहरी हैं यहाँ पे, और हरदयाल जी मैं उनको बाद में लेता हूँ, दो मिनट पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जय भगवान जाटव जी।
जाटव जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जाटव साहब प्रोफेसर जोहरी अपना माइक खोलिए। जी सर जी जी हाँ, 10 सेकंड दीजिए छोटा। जैसे कि हमारे बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे बोलते हैं एक वर्ड बोलते हैं, काफी नेता भी बोलते हैं, ये दलित वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? मुझे आज तक पता ही नहीं चला, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो पढ़ने को मिलता नहीं है। वही अगर बुद्धिजीवी इसका जवाब जोहरी साहब जी, एक मेरा वीडियो है डॉक्टर अम्बेडकर के दलित जी साहब का, एक 16 वॉल्यूम है, उसमें पाली में मिलता है। दरअसल ये दलित शब्द है वो बहुत जो संस्कृत किया गया है, जो बदला गया है वो, तो उसका तो मतलब होता है नीचे, दलित माने होता है दबा हुआ और कुचला हुआ। हाँ कुचला हुआ। और जो पाली का है जो शब्द है जिससे ये बना है वो बहुत ऊंचा है, उसका मतलब होता है दृढ़ हित, जो दृढ़ होता है अपने हित के लिए, दृढ़ हित। और दृढ़ हित से ही क्या बोलते हैं, देहली शब्द बना हुआ है, दृढ़ ही। दृढ़ ही माने जो वास्तव में दृढ़ है, यानी दिल्ली पत्थरों पे है ना, पत्थरों पे बसी हुई है, इसलिए इसका नाम दृढ़ ही पड़ा हुआ है, देहली बोलते हैं इसको। तो हमारा जो दलित जो हमें दिया गया है वो संस्कृत है, मॉडिफाइड है, दृढ़ हित का है। हम बहुत अपने हित के लिए दृढ़ लोग थे बड़े ज्यादा, इसलिए वो हमको दलित से दलित बना दिया। अब दलित तो गाली हो गया, दबा हुआ हो गया, और दलित होता है बहुत ऊंचा शब्द होता है। अब आप चुनाव कर लोगे, आपको क्या लेना है इसमें, पाली में जाना है या संस्कृत में जाना है? आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। सरणं गच्छामि धम्मं शरणं।